channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूरोप चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिकॉर्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है ब्लैक आदम। तो दोस्तों, ये फिल्म कौन सी है, आपको कहाँ पे हिंदी डब में देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म ने साल 2022 के अंदर कितनी कमाई किया है। इसी के साथ दोस्तों, फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी ब्लैक आदम फिल्म को यूरोप पर हिंदी डब में देखना चाहते हो या फिर इस मूवी की बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी के आज की मूवी रिव्यू को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फैंस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं ब्लैक आदम फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों, ये फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई एक अमेरिकी सुपर हीरो वाली मूवी है। इसमें ड्वेन जॉनसन शीर्षक डीसी और भूमिकाओं में नजर आए हैं। उनके अलावा दोस्तों, इस फिल्म में कॉमिक चरित्र के रूप में अभिनय किए हैं और ये फिल्म साजम की स्पिन ऑफ वाली मूवी है। दोस्तों, 2019 में रिलीज हुई डीसी फिल्म के ऊपर बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, एक्सटेंडेड यूनिवर्स डीसीयू में 11वीं फिल्म है ये मूवी, जहाँ पे ये फिल्म जामे कुलेट के साथ जो है शेराधारा निर्देशित किया गया है और एडम इस जीत किल के द्वारा मूवी को रूही हैंस और उनके साथ जो है शोहबार्ड निशी वाणी द्वारा लिखित की गई फिल्म की कहानी। दोस्तों, फिल्म में जॉनसन के अलावा फिल्म में एलडीज हॉस अभिनय करते हुए दिखाई दी है, उनके साथ इस फिल्म में काम किया है। दोस्तों, इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म पिक्चर द्वारा इस मूवीज को बनाया गया है। दोस्तों, कहानी के बारे में हम बात करें तो फिल्म की कहानी आदम के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी को दिखाया गया है। दोस्तों, इस फिल्म में पुरातत्वविदों के एक समूह ने अपराध सिंडिकेट इंटर गेंस के ऊपर हमला कर दिया, राष्ट्र को मुक्त करने के लिए अपने जादुई कारावास से मुक्त किया है। इसके अलावा दोस्तों, फिल्म में जॉनसन को साजन से जोड़ा गया है। मूवी में विकास की शुरुआत के बारे में हम बात करें तो फिल्म की शूटिंग सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक आदम को चित्रित करने की पुष्टि की गई थी, लेकिन दोस्तों, फिल्म के निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया। इसी के साथ दोस्तों, 2017 में काम पर रखा गया था उनको और कुलेट सारा जून 2019 में दिसंबर में शामिल हुए। इसी तरह दोस्तों, 2021 की योजनाबंद रिलीज डेट के साथ शामिल हुई थी, लेकिन इस समस्या रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था, जहां पे अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जो है जिसमें जो है जस्टिन और सोसाइटी ऑफ के साथ अमेरिका के 4 सदस्य शामिल थे फिल्म में। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म के अंदर हेंस और नेसिरवा धारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था। फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक जो है अटका हुआ था क्योंकि जॉर्जिया के थिएटर स्टूडियो में इस फिल्म को शूटिंग किया जाना था। ब्लैक आदम फिल्म का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और फिल्म को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। वहीं पे 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने अभिनय किया था फिल्म में और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की, लेकिन दोस्तों, फिल्म की पटकथा की आलोचना भी किया गया जो 190 से लेकर $260 मिलियन के उत्पादन पर इस फिल्म को बनाया गया था। इसके मुकाबले दुनिया भर में फिल्म ने 391 मिलियन की कमाई की। कुछ अनुमानों के अनुसार ये मूवी वियतनाम और वियतनाम लगाते हुए अपनी जो है कुल लागत को पुनः प्राप्त करने में विफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप जो है प्रकाश ने इसे बॉक्स ऑफिस में बम के रूप में लेबल किया है फिल्म को। आइए दोस्तों, फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, 26 ईसा पूर्व में कहन दंग के ऊपर इस फिल्म की कहानी आधारित है। कहन दंग के अत्याचारी राजा अहकटन ने महान शक्ति प्राप्त करने के लिए सबक का ताजा यानी कि एक नया बनाया है। दोस्तों, फिल्म के अगले सीन में विद्रोह का मंचन करने का प्रयास करने के बाद एक युवा गुलाम लड़के के ऊपर काउंसिंग ऑफ जो है विजार्ड द्वारा साजम की शक्तियाँ दी जाती है, जो उसे कहकर एक बीट चैंपियन में बदल देता है, जो कि अहकटन को मारता है और उसका शासन समाप्त कर लेता है। वर्तमान में ये दिखाया गया है, वर्तमान समय में कहंगदंग को एक भाड़े के संगठन इंटर गैंग द्वारा प्रतिदित किया गया है, क्योंकि एक जो है प्रतिवादित और प्रतिरोध जो है सेनानी एड्रियाना को टोमास के ऊपर अपने भाई करीम और उनके सहयोगियों के साथ समीर और इस्माइल की मदद से क्राउन ऑफ के साथ सबक का पता लगाने की
कोशिश की गई है। जैसे कि आपको बता दें, एडिन आना के मुकुट प्राप्त किया गया था। इंटर गैंग ने उन पर घात लगाकर हमला किया और समीर को मार डाला। एड्रियाना को एक भाषण पढ़ने के लिए मजबूर किया गया है, जो कि टेड एडम को जगाती है, जिसे वह कहदक के साथ जो है चैंपियन मानती है और एक नींद से उठती है जैसे ही अधिकांश जो इंटर गैंग उसे देख लेता है। दोस्तों, फिल्म के अंदर अगले सीन में बताया गया है सैनिकों का वध किए गए हैं। अमेरिकी सरकार के अधिकारी अमांडा वॉलर के साथ एडम को एक खतरा मानते हैं और उसे पकड़ने के लिए जस्टिन सोसाइटी से संपर्क करते हैं। जस्टिन सोसाइटी के सदस्य हकमैन डॉक्टर के फेट के साथ जो साइक्लोन और एटम इस मिशन के साथ एडम की हत्या की होड़ को रोकने के लिए समय पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एड्रियाना को समझाते हैं कि एडम एक गुप्त रक्षक नहीं था बल्कि एक कैदी हत्यारा था। इसी के साथ दोस्तों, इस्माइल खुद को जो है कहदक के साथ इंटर गैंग के नेता के रूप में प्रकट करता है। वो अपने आप को इस गैंग का नेता बतलाता है और एड्रियाना के किशोर बेटे अमोना का अपहरण कर लेता है। इसी बीच जिसमें मुकुट को चुरा लिया गया है, उसके सर पे जो मुकुट है उसको चुरा लिया जाता है और छिपा दिया गया। एडम एड्रियाना को और जस्टिन सोसाइटी के साथ जो है ताज ढूंढते हैं और ओमोन के साथ इसका व्यापार करने का इरादा भी रखते हैं। इसके आगे की कहानी के बारे में हम बात करते हैं, इस्माइल तक पहुंचने पर वह खुद को राजा कहकर टोन के अंतिम वंश के रूप में प्रकट करता है और सिंहासन पर अपना सही स्थान चाहता है। एड्रियाना सविस्ता से ओमोन के जीवन को बचाने के लिए ताज दे देती है, लेकिन इस्माइल ने सौदे के अपने हिस्से को धोखा दिया और आमोन पर गोली चला दी, जिससे एडम ने नियंत्रण खो दिया और अपनी शक्तियों के साथ ठिकाने को नष्ट कर दिया। इस्माइल को मार डाला और आमोन को घायल कर दिया गया। अपराध बोझ से ग्रस्त एडम एहक के साथ जो है टन और मालते के साथ जो है उनके साथ खंडहरों की भाग लेते हैं। हकमैन को बताते हैं कि कहदम के चैंपियन की किन वदातियों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। यह एक एडम का बेटा तरुण था, इसे जो है साधन की शक्तियां प्रदान की गई और कहदम का चैंपियन बना दिया गया था। ये जानते हुए कि उनके साथ जो है हुरूत अजय था, अहक टॉन से हत्यारों को उनके साथ जो है इनकी हुरूत के परिवार को मारने का निर्देश लिया है, जिसमें एडम और हुरूत की मां भी शामिल थी। हुरूत ने एडम को अपने जीवन को बचाने के लिए अपनी शक्तियां दी और अहकटन के हथियारों ने तुरंत डीप परवर्ड और वहीं पे हुरूत के मार डाला था, जिससे जो है क्रोधित एडम ने राजा के सभी लोगों का नरहाश कर दिया और अनजाने में उसके महल को नष्ट कर दिया। इसके बाद आपको बता दें, जादूगरों की परिषद धारा जो है अयोग्य समझ जाने पर एडम ने साजन को छोड़कर गुस्से में उन सभी पर हमला किया और उन्हें मार डाला जो एडम के मकबरे के भीतर सबैक के साथ जो है साथ जाते थे और कैद करने में सफल रहे थे। ये सब कुछ होने के बाद दोस्तों, सच्चे नायक बनने में असमर्थ महसूस करते हुए एडम आत्मसमर्पण कर देता है और जस्टिन सोसाइटी उसे अंटार्कटिका में एक गुप्त अंदर वाटर टास्क फोर्स व एक्स ब्लैक साइट पर ले जाते हैं, जहाँ पे भाग्य को हकमैन की आश्चर्य मृत्यु का पूर्वाभास होते हैं। जैसा कि जस्टिन सोसाइटी शहर में लौटती है, उन्हें जो एहसास होता है कि इस्माइल ने जानबूझकर एडम को उसे मारने के लिए उकसाया था, जबकि उसने क्राउन पहना था। जैसा कि इस्माइल जो है सबक के छह और रक्षकों के साथ चैंपियन के रूप में पुनर्जन्म लेता है फिल्म के अंदर और अपने जो है सिंहासन का दावा करने के लिए अंडरवर्ल्ड से उठ जाता है। जब जो है सबैक कहकर उन्हें आते हैं तो उनके साथ आतंकित करने के लिए नर्क की सेनाओं को बुलाते हैं, जो लोगों को आमोन और एड्रियाना और उनके साथ क्रीम थारम मारे हुए थे उनके साथ जो पीछे हटने के लिए लाम बंद किया जाता है, क्योंकि जस्टिन सोसाइटी सबैक का सामना करने के लिए तैयार होती है। हालांकि भाग्य अपने जो है साथियों को प्रवेश करने से रोकने वाले और खंडहरों को चारों ओर एक जादुई बल क्षेत्रीय बनाते हैं। ये खुलासा करते हुए कि हकमैन की मृत्यु को उनके बलिदान से टाला जा सकता है, जैसा कि वह सबाक के साथ अकेले लड़ते हैं। भाग्य ने क्रियो की नींद में एडम से बात करते हुए एडम को रिहा करने के लिए सूक्ष्म और प्रशिक्षण का उपयोग किया, सबैक भाग्य को मार देते। इसी बीच इसके बाद दोस्तों, परिणाम स्वरूप ये होता है कि बल क्षेत्रों को भंग कर दिया जाता है और अन्य नायकों को लड़ने की अनुमति दी जाती है और एडम ठीक वैसे ही आते हैं जैसे जो सबक जस्टिन और सोसाइटी को मारने वाले होते हैं। हकमैन धारा
हेड के हेलमेट का उपयोग करने से सहायता के साथ एडम जो है सब बाइक को मारने की कोशिश करता है और जस्टिन सोसाइटी एडम के साथ अच्छी शर्तों पर प्रस्थान करती है, जो पुराने सिंहासन को नष्ट करने और एक नया नाम अपनाने के बाद उनके साथ कहदक के रक्षक के रूप में अपनी नई भूमिका स्वीकार करता है। ब्लैक एडम एक मेड क्रेडिट दृश्य में उनके वालर एक उद्यम के साथ शुरू होती है, जहाँ पे एडम के साथ संवाद करता है और उसे कहदक छोड़ने के खिलाफ चेतावनी देता है। बाद में सुपरमैन आता है और सुझाव देता है कि उन्हें बात करनी चाहिए उनसे। और दोस्तों इस फिल्म की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे ब्लैक एडम फिल्म को। फैंस में सिर्फ मूवी की बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आप लोग को बता सकता हूं। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अभी यूट्यूब पर हिंदी ड्रॉप में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें न्यू लाइन सिनेमा ने साजन का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक्स के चरित्र कैप्टन जो है मार्वल पर आधारित की गई थी, जिसे 2000 के दशक में रिलीज किया जाना था। दोस्तों फिल्म की कहानी साल 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक जो है जादूगर साजन में से आया था, जो नायक को अपनी शक्तियां देता है। कानूनी मुद्दे के कारण डीसी कैप्टन और मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ था। पीटर सहयोग ने अप्रैल 2006 में फिल्म को निर्देशित करने के लिए साइन किया था। और आपको बता दें ड्वेन जॉनसन से उससे संपर्क के बाद एक कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया गया था। नवंबर 2007 तक जो है जॉनसन को फिल्म के प्रतिपक्षी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव ये था कि किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी। फिल्म के विकास के ऊपर बात करते हुए जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था मूवी की शूटिंग को, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू कर दिया गया था, जब वार्नर ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा जो है ब्राहम डीसी के लिए सुपर हीरो फिल्म की एक स्लेट की योजना बनाना शुरू किया था। इसी के साथ दोस्तों एक्सटेंडेड यूनिवर्स जो है DCU4 के साथ उस अगस्त में जॉनसन ने कहा था कि उस सभी यानी कि फिल्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि वो कैप्टन मार्वल या फिर ब्लैक एडम की भूमिका निभाएंगे। एक महीने बाद जॉनसन ने घोषणा किया है कि वह ब्लैक एडम का किरदार निभाएंगे। जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी के जेफ जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता के फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक और सहायक चित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया। साजन फिल्म 2019 में रिलीज हुई नायक कप्तान और मारून के साथ अभिनीत की गई, जिसे जो है डीसी ने तब से जो है साजन फिल्म के रूप में पूर्ण और ब्रांडेड किया था। और ब्लैक एडम फिल्म जिसमें जो है जॉनसन ने हिंदी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया। जॉनसन ने कहा कि दोनों किरदार भविष्य के पर्दे पर मिलेंगे। जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि किया था कि जॉनसन साजन फिल्म में दिखाई नहीं देंगे, हालांकि उस फिल्म में जादूगर साजन द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम के जादुई यानी कि होलोग्राम के लिए उनकी सामना का उपयोग किया गया था फिल्म के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अक्टूबर 2017 में एडम के साथ इस जटिल को ब्लैक एडम के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। जॉनसन ने इस फिल्म के लिए व्यू फिल्म के साथ जो है सेवन बॉक्स और प्रोडक्शन के साथ डेनी और हिराम के साथ जो है गार्सिया के साथ फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार हुए थे। उस समय दोस्तों बतला दे इस वाडा 2016 की अगली कड़ी फिल्म में जॉनसन को पहली बार ब्लैक एडम के रूप में प्रदर्शित करने की योजना थी, जिसमें गोबीन को उनके साथ कॉनर और लेखक के साथ जो संभावित निर्देशक के रूप में जुड़े थे। आत्मघाती दस्ते के सदस्यों का इरादा बड़े पैमाने पर निशाना के रूप में हथियार पर नजर रखने का काम था, जो जॉनसन के लिए एक छोटी सी भूमिका में ब्लैक एडम के रूप में प्रकट होगा। लेकिन इन योजनाओं को तब छोड़ दिया गया जब वो कॉनर के 2018 में उस फिल्म को छोड़ दिया था। इसी के साथ दोस्तों अप्रैल 2018 तक इस स्क्रिप्ट का एक मसौदा पूरा कर लिया गया था, जहां जॉनसन ने कहा था कि 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की संभावना थी। अगस्त के अंत में आपको बतला दे इस फिल्म के अंदर और मसौदा जो है सौंप दिया गया था और आगे के संशोधन चल रहे थे। इसी के साथ दोस्तों बतला दे
गार्स यासा ने तब कहा था कि साजन फिल्म और ब्लैक एडम को उनकी पहली जो फिल्म देने से प्रत्येक चरित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और विकसित होने की अनुमति मिल रही थी और उन्होंने कहा था कि ब्लैक एडम। बता दें दोस्तों, ये फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई एक अमेरिकी सुपर हीरो वाली मूवी है। इसमें ड्वेन जॉनसन शीर्षक डीसी और भूमिकाओं में नजर आए हैं। उनके अलावा दोस्तों, इस फिल्म में कॉमिक्स चरित्र के रूप में अभिनय किए हैं और ये फिल्म साजम की स्पिन ऑफ वाली मूवी है। दोस्तों, 2019 में रिलीज हुई डीसी फिल्म के ऊपर बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, एक्सटेंडेड यूनिवर्स डीसीयू में 11वीं फिल्म है ये मूवी, जहां पे ये फिल्म जामे कुलेट के साथ जो है शेरा धारा निर्देशित किया गया है और एडम इस जीट किल के द्वारा मूवी को रूही हैंस और उनके साथ जो है शोहबार्ड निशीवाणी द्वारा लिखित की गई फिल्म की कहानी। दोस्तों, फिल्म में जॉनसन के अलावा फिल्म में एल्डीज हॉस अभिनय करती हुई दिखाई दी है, उनके साथ इस फिल्म में काम किया है। दोस्तों, इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म पिक्चर द्वारा इस मूवीज को बनाया गया है। दोस्तों, कहानी के बारे में हम बात करें तो फिल्म की कहानी आदम के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी को दिखाया गया है। दोस्तों, इस फिल्म में पुरातत्वविदों के एक समूह ने अपराध सिंडिकेट इंटर गेंस के ऊपर हमला कर दिया, राष्ट्रों को मुक्त करने के लिए अपने जादुई कारावास से मुक्त किया है। इसके अलावा दोस्तों, फिल्म में जॉनसन को साजन से जोड़ा गया है। मूवी में विकास की शुरुआत के बारे में हम बात करें तो फिल्म की शूटिंग सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक आदम को चित्रित करने की पुष्टि की गई थी, लेकिन दोस्तों, फिल्म के निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया। इसी के साथ दोस्तों, 2017 में काम पर रखा गया था उनको और कुलेट सारा जून 2019 में दिसंबर में शामिल हुए। इसी तरह दोस्तों, 2021 की योजना बंद रिलीज डेट के साथ शामिल हुई थी, लेकिन इस समस्या रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था, जहाँ पे अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जो है, जिसमें जो है जस्टिन और सोसाइटी ऑफ के साथ अमेरिका के 4 सदस्य शामिल फिल्म में। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म के अंदर हैंस और नेसिरुआ धारा इस स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था। फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक जो है अटका हुआ था, क्योंकि जॉर्जिया के थिएटर स्टूडियो में इस फिल्म को शूटिंग किया जाना था। ब्लैक आदम फिल्म का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और फिल्म को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया। वहीं पे 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने अभिनय किया था फिल्म में और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। लेकिन दोस्तों, फिल्म की पटकथा की आलोचना भी किया गया, जो 190 से लेकर $260 मिलियन के उत्पादन पे इस फिल्म को बनाया गया था। इसके मुकाबले दुनिया भर में फिल्म ने 391 मिलियन की कमाई की। कुछ अनुमानों के अनुसार ये मूवी वियतनाम और वेतन लगाते हुए अपनी जो है कुल लागत को पुनः प्राप्त करने में विफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप जो है प्रकाश ने इसे बॉक्स ऑफिस में बम के रूप में लेबल किया है फिल्म को। आइए दोस्तों, फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, 26 ईसा पूर्व में कहन दंग के ऊपर इस फिल्म की कहानी आधारित है। कहन दंग के अत्याचारी राजा अहकटन ने महान शक्ति प्राप्त करने के लिए सबक का ताजा यानी कि एक नया बनाया है। दोस्तों, फिल्म के अगले सीन में विद्रोह का मंचन करने का प्रयास करने के बाद एक युवा गुलाम लड़के के ऊपर काउंसिंग ऑफ जो है विजार्ड द्वारा साजिम की शक्तियां दी जाती है, जो उसे कहकर एक बीट चैंपियन में बदल देता है, जो कि अहकटन को मारता है और उसका शासन समाप्त कर लेता है। वर्तमान में ये दिखाया गया है, वर्तमान समय में कहंग दंग को एक भाड़े के संगठन इंटर गैंग द्वारा प्रतिदित किया गया है, क्योंकि एक जो है प्रतिवादित और प्रतिरोध जो है सेनानी एड्रियाना को टोमाच के ऊपर अपने भाई करीम और उनके सहयोगियों के साथ समीर और इस्माइल की मदद से क्राउन ऑफ के साथ सबक का पता लगाने की कोशिश की गई है। जैसे कि आपको बता दें, एडिन आना के मुकुट प्राप्त किया गया था। इंटर गैंग ने उन पर घात लगाकर हमला किया और समीर को मार डाला। एड्रियाना को एक भस्म पड़ने के लिए मजबूर किया गया है, जो कि टेड एडम को जगाती है, जिसे वह कहदक के साथ जो है चैंपियन मानती है और एक नींद से उठती है जैसे ही अधिकांश जो इंटर गैंग उसे देख लेता है। दोस्तों, फिल्म के अंदर अगले सीन में बताया गया है, सैनिकों का वध किए गए हैं। अमेरिकी सरकार के अधिकारी अमांडा वॉलर के साथ एडम को एक खतरा मानते हैं और उसे पकड़ने के लिए जस्टिन सोसाइटी से संपर्क करते हैं। जस्टिन सोसाइटी के सदस्य हकमैन डॉक्टर के फेट के साथ जो साइक्लोन और एटम इस मिशन के साथ एडम की हत्या की होड़ को रोकने के लिए समय पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एड्रियाना को समझाते हैं कि एडम एक गुप्त रक्षक नहीं था, बल्कि एक कैदी हत्यारा था।
इसी के साथ दोस्तों इस्माइल खुद को जो है कहत दक के साथ इंटर गैंग के नेता के रूप में प्रकट करता है। वो अपने आप को इस गैंग का नेता बतलाता है और एड्रियाना के किशोर बेटे अमोना का अपहरण कर लेता है। इसी बीच जिसमें मुकुट को चुरा लिया गया है, उसके सर पे जो मुकुट है उसको चुरा लिया जाता है और छिपा दिया गया। एडम एड्रियाना को और जस्टिन सोसाइटी के साथ जो है ताज ढूंढते हैं और अमोन के साथ इसका व्यापार करने का इरादा भी रखते हैं। इसके आगे की कहानी के बारे में हम बात करें तो इस्माइल तक पहुंचने पर वह खुद को राजा कहकर टोन के अंतिम वंश के रूप में प्रकट करता है और सिंहासन पर अपना सही स्थान चाहता है। एड्रियाना सविस्ता से ओमोम के जीवन को बचाने के लिए ताज दे देती है, लेकिन इस्माइल ने सौदे के अपने हिस्से को धोखा दिया और आमोन पर गोली चला दी, जिससे एडम ने नियंत्रण खो दिया और अपनी शक्तियों के साथ ठिकाने को नष्ट कर दिया। इस्माइल को मार डाला और आमोन को घायल कर दिया गया। अपराध बोझ से ग्रस्त एडम एहक के साथ जो है टन और मालते के साथ जो है उनके साथ खंडहरों की भाग लेते हैं। हॉकमैन को बताते हैं कि कहदम के चैंपियन की किन वदातियों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। यह एक एडम का बेटा तरुण था, इसे जो है साधन की शक्तियां प्रदान की गई और कहदम का चैंपियन बना दिया गया था। ये जानते हुए कि उनके साथ जो है हुरूत अजय था, अहक टॉन से हत्यारों को उनके साथ जो है इनकी हुरूत के परिवार को मारने का निर्देश लिया है, जिसमें एडम और हुरूत की माँ भी शामिल थी। हुरूत ने एडम को अपने जीवन को बचाने के लिए अपनी शक्तियाँ दी और अहकटन के हथियारों ने तुरंत डी परवर्ड और वहीं पे हुरूत के मार डाला था, जिससे जो है क्रोधित एडम ने राजा के सभी लोगों का नरहाश कर दिया और अनजाने में उसके महल को नष्ट कर दिया। इसके बाद आपको बदला दे जादूगरों की परिषद धारा जो है अयोग्य समझ जाने पर एडम ने साजन को छोड़कर गुस्से में उन सभी पर हमला किया और उन्हें मार डाला जो एडम के मकबरे के भीतर सबैक के जादू है साथ जाते थे और कैद करने में सफल रहे थे। ये सब कुछ होने के बाद दोस्तों सच्चे नायक बनने में असमर्थ महसूस करते हुए एडम आत्मसमर्पण कर देता है और जस्टिन सोसाइटी उसे अंटार्कटिका में एक गुप्त अंदर वाटर टास्क फोर्स व एक्स ब्लैक साइट पर ले जाते हैं, जहाँ पे भाग्य को हॉकमैन की आश्चर्य मृत्यु का पूर्वाभास होते हैं। जैसा कि जस्टिन सोसाइटी शहर में लौटती है, उन्हें जो एहसास होता है कि इस्माइल ने जानबूझकर एडम को उसे मारने के लिए उकसाया था, जबकि उसने क्राउन पहना था। जैसा कि इस्माइल जो है सबक के छह और रक्षकों के साथ चैंपियन के रूप में पुनर्जन्म लेता है फिल्म के अंदर और अपने जो है सिंहासन का दावा करने के लिए अंडरवर्ल्ड से उड़ जाता है। जब जो है सबैक कहकर उन्हें आते हैं तो उनके साथ आतंकित करने के लिए नर्क की सेनाओं को बुलाते हैं, जो लोगों को आमोन और एड्रियाना और उनके साथ क्रीम धारम मारे हुए थे उनके साथ जो पीछे हटने के लिए लामबंद किया जाता है, क्योंकि जस्टिन सोसाइटी सबैक का सामना करने के लिए तैयार होती है। हालांकि भाग्य अपने जो है साथियों को प्रवेश करने से रोकने वाले और खंडहरों को चारों ओर एक जादुई बल क्षेत्रीय बनाते हैं। ये खुलासा करते हुए कि हॉकमैन की मृत्यु को उनके बलिदान से टाला जा सकता है, जैसा कि वह सबाक के साथ अकेले लड़ते हैं। भाग्य ने क्रियो की नींद में एडम से बात करते हुए एडम को रिहा करने के लिए सूक्ष्म और प्रशिक्षण का उपयोग किया, सबैक भाग्य को मार देते। इसी बीच इसके बाद दोस्तों परिणाम स्वरूप ये होता है कि बल क्षेत्रों को भंग कर दिया जाता है और अन्य नायकों को लड़ने की अनुमति दी जाती है और एडम ठीक वैसे ही आते हैं जैसे जो है सबक जस्टिन और सोसाइटी को मारने वाले होते हैं। हॉकमैन द्वारा फेट के हेलमेट का उपयोग करने से सहायता के साथ एडम जो है सबैक को मारने की कोशिश करता है और जस्टिन सोसाइटी एडम के साथ अच्छी शर्तों पर प्रस्थान करती है, जो पुराने सिंहासन को नष्ट करने और एक नया नाम अपनाने के बाद उनके साथ कहदक के रक्षक के रूप में अपनी नई भूमिका स्वीकार करता है। ब्लैक एडम एक मेड क्रेडिट दृश्य में उनके वालर एक उद्यम के साथ शुरू होती है, जहाँ पे एडम के साथ संवाद करता है और उसे कहदक छोड़ने के खिलाफ चेतावनी देता है। बाद में सुपरमैन आता है और सुझाव देता है कि उन्हें बात करनी चाहिए उनसे। और दोस्तों इस फिल्म की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे ब्लैक एडम फिल्म को। फैंस में सिर्फ मूवी की बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आप लोगों को बता सकता हूं। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अभी यूट्यूब पर हिंदी ड्रॉप में देखने को नहीं मिलता है।
इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, न्यू लाइन सिनेमा ने साजन का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक्स के चरित्र कैप्टन जो है मार्वल पर आधारित की गई थी, जिसे 2000 के दशक में रिलीज किया जाना था। दोस्तों फिल्म की कहानी साल 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक जो है जादूगर साजन में से आया था, जो नायक को अपनी शक्तियां देता है। कानूनी मुद्दे के कारण डीसी कैप्टन और मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ था। पीटर सहयोग ने अप्रैल 2006 में फिल्म को निर्देशित करने के लिए साइन किया था। और आपको बता दें, ड्वेन जॉनसन से उससे संपर्क के उन्हें संपर्क के बाद एक कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया गया था। नवंबर 2007 तक जो है जॉनसन को फिल्म के प्रतिपक्षी ब्लैक आदम में भी दिलचस्पी थी, और संभव ये था कि किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी। फिल्म के विकास के ऊपर बात करते तो जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था मूवी की शूटिंग को, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू कर दिया गया था, जब वार्नर ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा जो है ब्राहम डीसी के लिए सुपर हीरो फिल्म की एक स्लेट की योजना बनाना शुरू किया था। इसी के साथ दोस्तों एक्सटेंडेड यूनिवर्स जो है डीसी यू 4 के साथ उस अगस्त में जॉनसन ने कहा था कि उस सभी यानी कि फिल्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि वो कैप्टन मार्वल या फिर ब्लैक आदम की भूमिका निभाएंगे। एक महीने बाद जॉनसन ने घोषणा किया है कि वह ब्लैक आदम का किरदार निभाएंगे। जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी के जेफ जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता के फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक और सहायक चित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया। साजन फिल्म 2019 में रिलीज हुई नायक कप्तान और मारून के साथ अभिनीत की गई, जिसे जो है डीसी ने तब से जो है साजन फिल्म के रूप में पूर्ण और ब्रांडेड किया था। और ब्लैक एडम फिल्म जिसमें जो है जॉनसन ने हिंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया। जॉनसन ने कहा कि दोनों किरदार भविष्य के पर्दे पर मिलेंगे। जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि किया था कि जॉनसन साजन फिल्म में दिखाई नहीं देंगे, हालांकि उस फिल्म में जादूगर साजन द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम के जादुई यानी कि होलोग्राम के लिए उनकी सामना का उपयोग किया गया था फिल्म के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अक्टूबर 2017 में एडम के साथ इस जटिल को ब्लैक एडम के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। जॉनसन ने इस फिल्म के लिए ब्यू फिल्म के साथ जो है सेवन बॉक्स और प्रोडक्शन के साथ डेनी और हिराम के साथ जो है गार्सिया के साथ फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार हुए थे। उस समय दोस्तों बतला दे इस वाडा 2016 की अगली कड़ी फिल्म में जॉनसन को पहली बार ब्लैक एडम के रूप में प्रदर्शित करने की योजना थी, जिसमें गोबीन को उनके साथ कॉनर और लेखक के साथ जो संभावित निर्देशक के रूप में जुड़े थे। आत्मघाती दस्ते के सदस्यों का इरादा बड़े पैमाने पर निशाना के रूप में हथियार पर नजर रखने का काम था, जो जॉनसन के लिए एक छोटी सी भूमिका में ब्लैक एडम के रूप में प्रकट होगा। लेकिन इन योजनाओं को तब छोड़ दिया गया जब वो कॉनर के 2018 में उस फिल्म को छोड़ दिया था। इसी के साथ दोस्तों अप्रैल 2018 तक इस स्क्रिप्ट का एक मसौदा पूरा कर लिया गया था, जहां जॉनसन ने कहा था कि 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की संभावना थी। अगस्त के अंत में आपको बतला दे इस फिल्म के अंदर और मसौदा जो है सौंप दिया गया था और आगे के संशोधन चल रहे थे। इसी के साथ दोस्तों बतला दे गार्सियासा ने तब कहा था कि साजन फिल्म और ब्लैक एडम को उनकी पहली जो है फिल्म देने से प्रत्येक चरित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और विकसित होने की अनुमति मिल रही थी, और उन्होंने कहा था कि ब्लैक दोस्तों जैसे कि आपको पता है इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्लैक आदम फिल्म के बारे में, जिसे 2022 में रिलीज किया गया है। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूरोप पर हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये फिल्म न्यू लाइन सिनेमा में साजन का विकास शुरू किया, यहाँ पे डीसी और इस फिल्म के अंदर कॉमिक्स के चरित्र भी रखे गए हैं। फिल्म के अंदर कैप्टन मार्वल पर आधारित की गई कहानी को लेकर बनाया गया है। 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक जादूगर और साजन से इस मूवी की कुछ कहानियां लिए गए थे, जो नायकों की अपनी शक्तियां दिए गए हैं। दोस्तों कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन और मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ थे। वहीं पे पीटर सहयोग ने अप्रैल 2006 में फिल्म को निर्देशित करने के लिए साइन अप किया था, और वहीं पे ड्वेन जॉनसन से उस वर्ष बाद में कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया गया था।
जिन्होंने नवंबर 2007 तक जो है जॉन सॉन को फिल्म के प्रतिपक्षी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभवत जो उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों के सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड डीसी के लिए सुपर हीरो फिल्म की एक स्लेट की योजना बनाना शुरू कर दिया था। वहीं पे दोस्तों एक्सटेंडेड यूनिवर्स जो है डीसीईयू उस अगस्त में जॉन सॉन ने यह कहा था उन लोगों को कि वो अभी भी फिल्म से जुड़ा हुए हैं लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि कैप्टन मार्वल या फिर ब्लैक एडम की भूमिका निभाएंगे। एक महीने बाद जॉन सॉन ने घोषणा किया था कि वह ब्लैक एडम का किरदार निभाएंगे। जनवरी 2017 में जॉन सॉन ने डीसी के जियो जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की जब स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉन सॉन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक और सहायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इस बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया। साजन फिल्म जिसे 2019 में रिलीज किया आप सभी ने देखा ही होगा, नायक कैप्टन मार्वल और अभिनीत जिसे जो है डीसी ने तब से साजन फिल्म के रूप में पूर्ण ब्रह्मांड के साथ किया था। ब्लैक एडम फिल्म जिसमें जॉन सॉन ने हेंटी हरमेस शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉन सॉन ने कहा कि दोनों किरदार भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे। जॉन सॉन ने जुलाई में पुष्टि किया था कि जॉन सॉन साजन में दिखाई नहीं देंगे। हालांकि उस फिल्म में जादूगर साजन धारा जादू किए गए ब्लैक एडम के जादुई और होलोग्राम के साथ उनकी समानता का उपयोग किया गया है फिल्म के अंदर। अब दोस्तों 2017 में ये पुष्टि किया गया था कि एडम स्टिक के लिए ब्लैक एडम की एक पद कथा लिखने के लिए काम पर उनको रखा गया था। जॉन सॉन ने फिल्म के बारे में कहा, उन्होंने ये कहा कि सेवन बॉक्स प्रोडक्शन के डेनी और हिरानी सरगासिया के साथ फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार किया गया था। उस समय आपको बता दें सुसाइड स्क्वाड 2016 की अगली कड़ी में जॉन सॉन को पहली बार ब्लैक एडम के रूप में प्रदर्शित करने की योजना थी जिसमें आपको बता दें गोबीन ओ कोनर लेखक थे फिल्म में और संभावित जो निर्देशक के रूप में जुड़े थे। आत्मघाती दस्ते के सदस्यों का इरादा बड़े पैमाने पर किया गया था, हथियार पर नजर रखने का था। वहीं पे जॉन सॉन के लिए एक छोटी सी भूमिका में ब्लैक एडम के रूप में प्रकट होगा लेकिन इन योजनाओं को तब छोड़ दिया गया जब कॉनर 2018 में उस फिल्म को छोड़ दिया था। दोस्तों बता दें अप्रैल 2018 फिल्म का स्क्रिप्ट का एक मसौदा पूरा कर लिया गया था जब जॉन सॉन ने कहा कि 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की संभावना थी तो अगस्त के अंत में इस फिल्म के लिए संजीव टी किले ने एक जो है मसौदा सौंपा था फिल्म के लिए और आगे कहा कि संशोधन चल रहे थे। हरियाम के शाह जो है गार्सिया ने तब कहा था कि साजन फिल्म ब्लैक एडम को भी उनकी अपनी फिल्में देने से प्रत्येक चरित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म विकास होने की अनुमान लगाई गई थी। इस वजह से उन्होंने कहा कि ब्लैक एडम का उनका चेतन दर्शकों के लिए नरम नहीं होगा। वहीं पे समझाते हुए कहा कि नहीं लड़का और इसके साथ वे स्काउट सुपर हीरो होंगे। इस फिल्म के अंदर ऐसा लड़का किरदार उन्होंने निभाया है जो कि ठीक आपसे ऊपर है, ठीक ये है कि आपका सिर चीर देता है। दिसंबर में जॉन सॉन ने कहा कि जुमांडी द नेक्स्ट और लेवन के साथ 2019 में रेड नोटिस 2021 के लिए उनकी प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्मांकन 2019 के अंत तक जल्द से जल्द जो शुरू होगा। साजन फिल्म की सफलता रिलीज के बाद ब्लैक एडम न्यू लाइन के प्रथमतिक जो है बन गया था। जून 2019 तक जॉन सॉन को जंगल क्रू 2021 के निर्देशक के रूप में उनके साथ जो प्रभावित किए गए थे। जैम कुलेट सारा फिल्म का निर्देशन करने के लिए आए थे, वहीं पे बातचीत कर रहे थे लेकिन दोस्तों कुलेट सेरा ने ब्लैक एडम को भी सुपर हीरो के रूप में डॉटी हेरे के रूप में वर्णित किया और कहा कि फिल्म जो एडवेंचर कॉमेडी जंगल क्रूज जी के साथ तुलना में जॉन सॉन का एक गहरा संस्करण होगा। फिल्म के अंदर देखा गया जॉन सॉन ने अक्टूबर में खुलासा किया कि फिल्मांकन जुलाई 2020 में शुरू होगा। अगले महीने घोषणा किया था कि ब्लैक एडम को 22 दिसंबर 2021 को रिलीज किया जाना था लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि साजन फिल्म में फिर दिखाई देंगे लेकिन जस्टिस के साझो सोसाइटी ऑफ अमेरिका और JSA के साझो सदस्यों का पेश भी इन्होंने किया है। जी हाँ फैंस आपने बिल्कुल सही सुना, जॉन सॉन ने सारी बातों का खुलासा किया है।
वहीं पे जॉनसन ने अप्रैल 2020 के मध्य में कहा था कोविड 19 महामारी के कारण फिल्मांकन में देरी हुई थी और अब उस वर्ष अगस्त या फिर सितंबर में उत्पादन फिर से इन्होंने शुरू किया। जुलाई 2021 के शुरुआत में बहुत सारे अटकलें आए थे जहां पे शारजिया में शुरू होने की उम्मीद थी मूवी की और नू यानी कि सिटीनो को एटम जो है एस मेस के साथ लिया गया था। अगस्त में वर्चुअल डीसी और फैंटम के कार्यक्रम के दौरान जॉनसन ने खुलासा किया था कि जेएस के फिल्म के संस्करण में एटम और एस मेस के साथ जो है इनके अलावा हॉकमैन और डॉक्टर फिट के साथ जो है साइक्लोनों में शामिल किए गए हैं। उन्होंने समझाया कि हॉकर गर्ल को मूल रूप से टीम में शामिल किया गया था लेकिन एक जटिल कारण के कारण जो है अंत तक उसे फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और उसे साइक्लोन से बदल दिया गया। जेरी के साथ आपको बतला दे सोहराब और नोशी रावनी ने सितंबर तक जो स्क्रिप्ट का एक नया मसौदा तैयार किया था फिल्म के लिए। ये सारी तैयारी हो चुकी थी फिल्म के लिए लेकिन दोस्तों कोलेट सेरा ने जॉनसन के साथ डॉटी हैरी चरित्र की अपनी तुलना पर चर्चा करते हुए कहा वहीं पे पूरे सिस्टम भ्रष्ट थे और इसलिए आपके पास जो अपराधी थे जो फायदा उठा रहे थे फिल्म के लिए आपको एक ऐसे पुलिस वाले की जरूरत थी जो कि बकवास में माध्यम से काट सके। मूल रूप से उन्होंने ये कहा कि जरूर ये बहुत यानी कि बेहतरीन मूवी हो सकती है ब्लैक एडम जो कि उनके सोचने के तरीके के अनुरूप मूवी थी। मुझे लगता है कि ये हर किसी को बहुत पसंद आएगी और उन्होंने ये भी कहा कि ये जानते हुए कि कैसे दुनिया में कभी कभी जो है निष्पक्ष नहीं होते हैं लोग लेकिन आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो खेल के मैदान को बराबर करने के लिए नियम तोड़ते हैं। जॉनसन ने टिप्पणी किया कि ब्लैक एडम उसकी जो आत्मा को संदर्भित करता है जो अपने जो विश्व दृष्टि और मायोपिक के रूप में वर्णित करते हैं। एडम के लिए ये कहते हुए उसके गलत होने के लिए कोई भी जगह या फिर स्थान नहीं है किसी और की राय के लिए कोई जगह या फिर स्थान नहीं थे और अपने डर के कारण वह जो कुछ भी करता है उसे सही ठहराने के लिए उसके लिए केवल जगह है। जगह के लिए धक्का देते हैं और धक्का दिया जाता है जहाँ पे अन्य जो है रास्ता नहीं देते हैं फिल्म के लिए। तो फैंस इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है ब्लैक एडम फिल्म को जिसे साल 2022 में रिलीज किया गया है। दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हो या फिर इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें दोस्तों इस फिल्म को बनाने में 260 मिलियन रुपए खर्च हुए थे और मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो 391 मिलियन से अधिक की कमाई फिल्म ने किया है। और दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर हिंदी डब में देखने को नहीं मिलता है। फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो अक्टूबर 3 को रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्लैक एडम फिल्म के बारे में जिसे 2022 में रिलीज किया गया है। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये फिल्म न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया जहाँ पे डीसी और इस फिल्म के अंदर कॉमिक्स के चरित्र भी रखे गए हैं। फिल्म के अंदर कैप्टन मार्वल पर आधारित की गई कहानी को लेकर बनाया गया है। 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक जादूगर और साजम से इस मूवी की कुछ कहानियां लिए गए थे जो नायकों की अपनी शक्तियां दिए गए हैं। दोस्तों कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन और मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ थे। वहीं पे पीटर सहयोग ने अप्रैल 2006 में फिल्म को निर्देशित करने के लिए साइन अप किया था और वहीं पे ड्वेन जॉनसन से उस वर्ष बाद में कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया गया था जिन्होंने नवंबर 2007 तक जो है जॉनसन को फिल्म के प्रतिपक्षी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभवतः जो उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों के सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड डीसी के लिए सुपर हीरो फिल्म की एक स्लेट की योजना बनाना शुरू कर दिया था। वहीं दोस्तों एक्सटेंडेड यूनिवर्स जो है डीसीईयू उस अगस्त में जॉनसन ने यह कहा था उन लोगों को कि वो अभी भी फिल्म से जुड़ा हुए हैं लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि कैप्टन मार्वल या फिर ब्लैक एडम की भूमिका निभाएंगे। एक महीने बाद जॉनसन ने घोषणा किया था कि वह ब्लैक एडम का किरदार निभाएंगे। जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी के जेफ जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की जब स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक और सहायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया गया है।
इस बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया। साजन फिल्म, जिसे 2019 में रिलीज किया, आप सभी ने देखा ही होगा। नायक कैप्टन मार्वल और अभिनीत, जिसे जो है डीसी ने तब से साजन फिल्म के रूप में पूर्ण ब्रह्मांड के साथ किया था। ब्लैक एडम फिल्म, जिसमें जॉनसन ने हेंटी हरमेस शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों किरदार भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे। जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि किया था कि जॉनसन साजन में दिखाई नहीं देंगे। हालांकि उस फिल्म में जादूगर साजन धारा जादू किए गए ब्लैक एडम के जादुई और होलोग्राम के साथ उनकी समानता का उपयोग किया गया है फिल्म के अंदर। अब दोस्तों, 2017 में ये पुष्टि किया गया था कि एडम स्टिक के लिए ब्लैक एडम की एक पद कथा लिखने के लिए काम पर उनको रखा गया था। जॉन सोन ने फिल्म के बारे में कहा, उन्होंने ये कहा कि सेवन बॉक्स प्रोडक्शन के डेनी और हिरानी सरगासिया के साथ फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार किया गया था। उस समय आपको बता दें, सुसाइड स्क्वाड 2016 की अगली कड़ी में जॉन सोन को पहली बार ब्लैक एडम के रूप में प्रदर्शित करने की योजना थी, जिसमें आपको बता दें गोबीन ओ कोनर लेखक थे फिल्म में और संभावित जो निर्देशक के रूप में जुड़े थे। आत्मघाती दस्ते के सदस्यों का इरादा बड़े पैमाने पर किया गया था, हथियार पर नजर रखने का था। वहीं पे जॉन सोन के लिए एक छोटी सी भूमिका में ब्लैक एडम के रूप में प्रकट होगा, लेकिन इन योजनाओं को तब छोड़ दिया गया जब कोनर 2018 में उस फिल्म को छोड़ दिया था। दोस्तों बतला दें, अप्रैल 2018 तक फिल्म का स्क्रिप्ट का एक मसौदा पूरा कर लिया गया था। जब जॉन सोन ने कहा कि 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की संभावना थी, तो अगस्त के अंत में इस फिल्म के लिए संजीटी किले ने एक जो है मसौदा सौंपा था फिल्म के लिए, और आगे कहा कि संशोधन चल रहे थे। हरियाम के शाह जो है गार्सिया ने तब कहा था कि साजन फिल्म ब्लैक एडम को भी उनकी अपनी फिल्में देने से प्रत्येक चरित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म विकास होने की अनुमान लगाई गई थी। इस वजह से उन्होंने कहा कि ब्लैक एडम का उनका चेतन दर्शकों के लिए नरम नहीं होगा। वहीं पे समझाते हुए कहा कि नहीं लड़का और इसके साथ जो स्काउट सुपर हीरो होंगे। इस फिल्म के अंदर ऐसा लड़का किरदार उन्होंने निभाया है जो कि ठीक आपसे ऊपर है, ठीक ये है कि आपका सिर चीर देता है। दिसंबर में जॉनसन ने कहा कि जुमांडी द नेक्स्ट और लेवन के साथ 2019 में रेड नोटिस 2021 के लिए उनकी प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्मांकन 2019 के अंत तक जल्द से जल्द जो शुरू होगा। साजन फिल्म की सफलता रिलीज के बाद ब्लैक एडम न्यू लाइन के प्रथमतिक जो है बन गया था। जून 2019 तक जॉनसन को जंगल क्रू 2021 के निर्देशक के रूप में उनके साथ जो प्रभावित किए गए थे। जैम कुलेट सारा फिल्म का निर्देशन करने के लिए आए थे, वहीं पे बातचीत कर रहे थे, लेकिन दोस्तों कुलेट सेना ने ब्लैक एडम को भी सुपर हीरो के रूप में डॉटी हेरे के रूप में वर्णित किया और कहा कि फिल्म जो एडवेंचर कॉमेडी जंगल क्रूज जी के साथ तुलना में जॉन सोन का एक गहरा संस्करण होगा। फिल्म के अंदर देखा गया, जॉन सोन ने अक्टूबर में खुलासा किया कि फिल्मांकन जुलाई 2020 में शुरू होगा। अगले महीने घोषणा किया था कि ब्लैक एडम को 22 दिसंबर 2021 को रिलीज किया जाना था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि साजन फिल्म में फिर दिखाई देंगे, लेकिन जस्टिस के साथ सोसाइटी ऑफ अमेरिका और JSA के साथ सदस्यों का पेश भी इन्होंने किया है। जी हाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना, जॉन सोन ने ये सारी बातों का खुलासा किया है। वहीं पे जॉनसन ने अप्रैल 2020 के माध्यम में कहा था कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन में देरी हुई थी और अब उस वर्ष अगस्त या फिर सितंबर में उत्पादन फिर से इन्होंने शुरू किया। जुलाई 2021 के शुरुआत में बहुत सारे अटकलें आए थे, जहां पे शारजिया में शुरू होने की उम्मीद थी मूवी की और नू यानी कि सिटीनो को एटम जो है SMS के साथ लिया गया था। अगस्त में वर्चुअल DC और फैंडम के कार्यक्रम के दौरान जॉनसन ने खुलासा किया था कि JSA फिल्म के संस्करण में एटम और SMS के साथ जो है इनके अलावा हॉकमैन और डॉक्टर फिट के साथ जो है साइक्लोनों में शामिल किए गए हैं। उन्होंने समझाया कि हॉकर गर्ल को मूल रूप से टीम में शामिल किया गया था, लेकिन एक जटिल कारण के कारण जो है अंत तक उसे फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और उसे साइक्लोन से बदल दिया गया। जेरी के साथ आपको बतला दे, सोहराब और नोशी रावनी ने सितंबर तक जो स्क्रिप्ट का एक नया मसौदा तैयार किया था फिल्म के लिए। ये सारी तैयारी हो चुकी थी फिल्म के लिए, लेकिन दोस्तों कुलेट सेरा ने जॉनसन के साथ डॉटी हैरी चरित्र की अपनी तुलना पर चर्चा करते हुए कहा, वहीं पे पूरे सिस्टम भ्रष्ट थे और इसलिए आपके पास जो अपराधी थे जो फायदा उठा रहे थे फिल्म के लिए, आपको एक ऐसे पुलिस वाले की जरूरत थी जो कि बकवास में माध्यम से काट सके। मूल रूप से उन्होंने ये कहा कि जरूर ये बहुत यानी कि बेहतरीन मूवी हो सकती है ब्लैक एडम, जो कि उनके सोचने के तरीके के अनुरूप मूवी थी। मुझे लगता है कि ये हर
किसी को बहुत पसंद आएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जानते हुए कि कैसे दुनिया में कभी कभी जो है निष्पक्ष नहीं होते हैं लोग, लेकिन आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो खेल के मैदान को बराबर करने के लिए नियम तोड़ते हैं। जॉनसन ने टिप्पणी किया कि ब्लैक एडम उसकी जो है आत्मा को संदर्भित करता है जो अपने जो है विश्व दृष्टि और मायोपिक के रूप में वर्णित करते हैं। एडम के लिए ये कहते हुए उसके गलत होने के लिए कोई भी जगह या फिर स्थान नहीं है, किसी और की राय के लिए कोई जगह या फिर स्थान नहीं थे, और अपने दर्द के कारण वह जो कुछ भी करता है उसे सही ठहराने के लिए उसके लिए केवल जगह है। जगह के लिए धक्का देते हैं और धक्का दिया जाता है जहाँ पे अन्य जो है रास्ता नहीं देते हैं फिल्म के लिए। तो फैंस, इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है ब्लैक एडम फिल्म को, जिसे साल 2022 में रिलीज किया गया है। दोस्तों, अगर आप भी इस फिल्म को यूरोप पर हिंदी डब में देखना चाहते हो या फिर इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें दोस्तों, इस फिल्म को बनाने में 260 मिलियन रुपए खर्च हुए थे और मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो 391 मिलियन से अधिक की कमाई फिल्म ने किया है। और दोस्तों, ये फिल्म अभी आपको यूरोप पर हिंदी डब में देखने को नहीं मिलता है। फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो अक्टूबर 3 को रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्लैक एडम फिल्म के बारे में, जिसे 2022 में रिलीज किया गया है। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को यूरोप पर हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये फिल्म न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया, जहाँ पे डीसी और इस फिल्म के अंदर कॉमिक्स के चरित्र भी रखे गए हैं। फिल्म के अंदर कैप्टन मार्वल पर आधारित की गई कहानी को लेकर बनाया गया है। 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक जादूगर और साजन से इस मूवी की कुछ कहानियां लिए गए थे, जो नायकों की अपनी शक्तियां दिए गए हैं। दोस्तों, कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन और मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ थे। वहीं पे पीटर सहयोग ने अप्रैल 2006 में फिल्म को निर्देशित करने के लिए साइन अप किया था, और वहीं पे ड्वेन जॉनसन से उस वर्ष बाद में कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया गया था, जिन्होंने नवंबर 2007 तक जो है जॉनसन को फिल्म के प्रतिपक्षी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभवतः जो उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों के सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था, जब वार्नर ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड डीसी के लिए सुपर हीरो फिल्म की एक स्लेट की योजना बनाना शुरू कर दिया था। वहीं पे दोस्तों, एक्सटेंडेड यूनिवर्स जो है डीसीईयू, उस अगस्त में जॉनसन ने यह कहा था उन लोगों को कि वो अभी भी फिल्म से जुड़ा हुए हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि कैप्टन मार्वल या फिर ब्लैक एडम की भूमिका निभाएंगे। एक महीने बाद जॉनसन ने घोषणा किया था कि वह ब्लैक एडम का किरदार निभाएंगे। जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी के जेफ जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक और सहायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इस बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया। साजन फिल्म, जिसे 2019 में रिलीज किया, आप सभी ने देखा ही होगा। नायक कैप्टन मार्वल और अभिनीत, जिसे जो है डीसी ने तब से साजन फिल्म के रूप में पूर्ण ब्रह्मांड के साथ किया था। ब्लैक एडम फिल्म, जिसमें जॉनसन ने हेंटी हरमेस शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों किरदार भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे। जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि किया था कि जॉनसन साजन में दिखाई नहीं देंगे। हालांकि उस फिल्म में जादूगर साजन धारा जादू किए गए ब्लैक एडम के जादुई और होलोग्राम के साथ उनकी समानता का उपयोग किया गया है फिल्म के अंदर। अब दोस्तों, 2017 में ये पुष्टि किया गया था कि एडम स्टिक के लिए ब्लैक एडम की एक पद कथा लिखने के लिए काम पर उनको रखा गया था। जॉनसन ने फिल्म के बारे में कहा, उन्होंने ये कहा कि सेवन बॉक्स प्रोडक्शन के डेनी और हिरानी सरगासिया के साथ फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार किया गया था। उस समय आपको बता दें, सुसाइड स्क्वाड 2016 की अगली कड़ी में जॉनसन को पहली बार ब्लैक एडम के रूप में प्रदर्शित करने की योजना थी, जिसमें आपको बता दें गोबिन ओ कोनर लेखक थे फिल्म में और संभावित जो निर्देशक के रूप में जुड़े थे। आत्मघाती
दस्ते के सदस्यों का इरादा बड़े पैमाने पर किया गया था हथियार पर नजर रखने का था। वहीं पे जॉन स्वान के लिए एक छोटी सी भूमिका में ब्लैक एडम के रूप में प्रकट होगा, लेकिन इन योजनाओं को तब छोड़ दिया गया जब कॉनर 2018 में उस फिल्म को छोड़ दिया था। दोस्तों बता दें अप्रैल 2018 तक फिल्म का स्क्रिप्ट का एक मसौदा पूरा कर लिया गया था। जब जॉन स्वान ने कहा कि 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की संभावना थी, तो अगस्त के अंत में इस फिल्म के लिए संजीटी किले ने एक जो है मसौदा सौंपा था फिल्म के लिए, और आगे कहा कि संशोधन चल रहे थे। हरियाम के शाह जो है गार्सिया ने तब कहा था कि साजन फिल्म ब्लैक एडम को भी उनकी अपनी फिल्में देने से प्रत्येक चरित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म विकास होने के अनुमान लगाई गई थी। इस वजह से उन्होंने कहा कि ब्लैक एडम का उनका चेतन दर्शकों के लिए नरम नहीं होगा। वहीं पे समझाते हुए कहा कि नहीं लड़का और इसके साथ वे स्काउट सुपर हीरो होंगे। इस फिल्म के अंदर ऐसा लड़का किरदार उन्होंने निभाया है जो कि ठीक आपसे ऊपर है, ठीक ये है कि आपका सिर चीर देता है। दिसंबर में जॉन स्वान ने कहा कि जुमांडी द नेक्स्ट और लेवन के साथ 2019 में रेड नोटिस 2021 के लिए उनकी प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्मांकन 2019 के अंत तक जल्द से जल्द शुरू होगा। साजन फिल्म की सफलता रिलीज के बाद ब्लैक एडम न्यू लाइन के प्रथमतिक जो है बन गया था। जून 2019 तक जॉन स्वान को जंगल क्रू 2021 के निर्देशक के रूप में उनके साथ जो प्रभावित किए गए थे। जैम कुलेट सारा फिल्म का निर्देशन करने के लिए आए थे, वहीं पे बातचीत कर रहे थे, लेकिन दोस्तों कुलेट सेरा ने ब्लैक एडम को भी सुपर हीरो के रूप में डॉटी हेरे के रूप में वर्णित किया और कहा कि फिल्म जो एडवेंचर कॉमेडी जंगल क्रूज जी के साथ तुलना में जॉन स्वान का एक गहरा संस्करण होगा। फिल्म के अंदर देखा गया जॉन स्वान ने अक्टूबर में खुलासा किया कि फिल्मांकन जुलाई 2020 में शुरू होगा। अगले महीने घोषणा किया था कि ब्लैक एडम को 22 दिसंबर 2021 को रिलीज किया जाना था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि साजन फिल्म में फिर दिखाई देंगे, लेकिन जस्टिस के साथ जो सोसाइटी ऑफ अमेरिका और JSA के साथ जो सदस्यों का पेश भी इन्होंने किया है। जी हाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना, जॉन स्वान ने सारी बातों का खुलासा किया है। वहीं पे जॉन स्वान ने अप्रैल 2020 के माध्यम में कहा था कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन में देरी हुई थी और अब उस वर्ष अगस्त या फिर सितंबर में उत्पादन फिर से इन्होंने शुरू किया। जुलाई 2021 के शुरुआत में बहुत सारे अटकलें आए थे जहां पे शारजिया में शुरू होने की उम्मीद थी मूवी की, और नू यानी कि सिटीनो को एटम जो है एस मैस के साथ लिया गया था। अगस्त में वर्चुअल DC और फैंडम के कार्यक्रम के दौरान जॉनसन ने खुलासा किया था कि JSA फिल्म के संस्करण में एटम और एस मैस के साथ जो है इनके अलावा हॉकमैन और डॉक्टर फिट के साथ जो है साइक्लोनों में शामिल किए गए हैं। उन्होंने समझाया कि हॉकर गर्ल को मूल रूप से टीम में शामिल किया गया था, लेकिन एक जटिल कारण के कारण जो है अंत तक उसे फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और उसे साइक्लोन से बदल दिया गया। जेरी के साथ आपको बतला दे सोहराब और नोशी रावनी ने सितंबर तक भी स्क्रिप्ट का एक नया मसौदा तैयार किया था फिल्म के लिए। ये सारी तैयारी हो चुकी थी फिल्म के लिए, लेकिन दोस्तों कुलेट सेरा ने जॉन स्वान के साथ डॉटी हैरी चरित्र की अपनी तुलना पर चर्चा करते हुए कहा, वहीं पे पूरे सिस्टम भ्रष्ट थे और इसलिए आपके पास जो अपराधी थे जो फायदा उठा रहे थे फिल्म के लिए, आपको एक ऐसे पुलिस वाले की जरूरत थी जो कि बकवास में माध्यम से काट सके। मूल रूप से उन्होंने ये कहा कि जरूर ये बहुत यानी कि बेहतरीन मूवी हो सकती है ब्लैक एडम, जो कि उनके सोचने के तरीके के अनुरूप मूवी थी। मुझे लगता है कि ये हर किसी को बहुत पसंद आएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जानते हुए कि कैसे दुनिया में कभी कभी जो है निष्पक्ष नहीं होते हैं लोग, लेकिन आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो खेल के मैदान को बराबर करने के लिए नियम तोड़ते हैं। जॉन स्वान ने टिप्पणी किया कि ब्लैक एडम उसकी जो है आत्मा को संदर्भित करता है जो अपने जो है विश्व दृष्टि और मायोपिक के रूप में वर्णित करते हैं। इधर के लिए ये कहते हुए उसके गलत होने के लिए कोई भी जगह या फिर स्थान नहीं है, किसी और की राय के लिए कोई जगह या फिर स्थान नहीं थे, और अपने डर के कारण वह जो कुछ भी करता है उसे सही ठहराने के लिए उसके लिए केवल जगह है। जगह के लिए धक्का देते हैं और धक्का दिया जाता है जहाँ पे अन्य जो है रास्ता नहीं देते हैं फिल्म के लिए। तो फैंस, इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है ब्लैक एडम फिल्म को, जिसे साल 2022 में रिलीज किया गया है। दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हो या फिर इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें दोस्तों, इस फिल्म को बनाने में 260 मिलियन रुपए खर्च हुए थे और मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो 391 मिलियन से अधिक की कमाई फिल्म ने किया है। और दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर हिंदी डब में देखने को नहीं मिलता है,
फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो अक्टूबर 3 को रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स आयोग की वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्लैक आदम फिल्म के बारे में जिसे 2022 में रिलीज किया गया है। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूरोप पर हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये फिल्म न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया जहाँ पे डीसी और इस फिल्म के अंदर कॉमिक्स के चरित्र भी रखे गए हैं। फिल्म के अंदर कैप्टन मार्वल पर आधारित की गई कहानी को लेकर बनाया गया है। 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक जादूगर और साजम से इस मूवी की कुछ कहानियाँ लिए गए थे जो नायकों की अपनी शक्तियाँ दिए गए हैं। दोस्तों कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन और मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ थे। वहीं पे पीटर सहयोग ने अप्रैल 2006 में फिल्म को निर्देशित करने के लिए साइन अप किया था और वहीं पे ड्वेन जॉनसन से उस वर्ष बाद में कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया गया था जिन्होंने नवंबर 2007 तक जो है जॉनसन को फिल्म के प्रतिपक्षी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभवत जो उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों के सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड डीसी के लिए सुपर हीरो फिल्म की एक स्लेट की योजना बनाना शुरू कर दिया था। वहीं पे दोस्तों एक्सटेंडेड यूनिवर्स जो है डीसीईयू उस अगस्त में जॉनसन ने यह कहा था उन लोगों को कि वो अभी भी फिल्म से जुड़ा हुए हैं लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि कैप्टन मार्वल या फिर ब्लैक एडम की भूमिका निभाएंगे। एक महीने बाद जॉनसन ने घोषणा किया था कि वह ब्लैक एडम का किरदार निभाएंगे। जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी के जियोफ जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की जब स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक और सहायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इस बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया। साजन फिल्म जिसे 2019 में रिलीज किया आप सभी ने देखा ही होगा। नायक कैप्टन मार्वल और अभिनीत जिसे जो है डीसी ने तब से साजन फिल्म के रूप में पूर्ण ब्रह्मांड के साथ किया था। ब्लैक एडम फिल्म जिसमें जॉनसन ने हेंटी हर में शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों किरदार भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे। जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि किया था कि जॉनसन साजन में दिखाई नहीं देंगे। हालांकि उस फिल्म में जादूगर साजन धारा जादू किए गए ब्लैक एडम के जादुई और होलोग्राम के साथ उनकी समानता का उपयोग किया गया है फिल्म के अंदर। अब दोस्तों 2017 में ये पुष्टि किया गया था कि एडम स्टिक के लिए ब्लैक एडम की एक पद कथा लिखने के लिए काम पर उनको रखा गया था। जॉनसन ने फिल्म के बारे में कहा, उन्होंने ये कहा कि सेवन बॉक्स प्रोडक्शन के डेनी और हिरानी सरगासिया के साथ फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार किया गया था। उस समय आपको बता दें सुसाइड स्क्वाड 2016 की अगली कड़ी में जॉनसन को पहली बार ब्लैक एडम के रूप में प्रदर्शित करने की योजना थी जिसमें आपको बता दें गोबीन ओ कोनर लेखक थे फिल्म में और संभावित वे निर्देशक के रूप में जुड़े थे। आत्मघाती दस्ते के सदस्यों का इरादा बड़े पैमाने पर किया गया था, हथियार पर नजर रखने का था। वहीं पे जॉनसन के लिए एक छोटी सी भूमिका में ब्लैक एडम के रूप में प्रकट होगा लेकिन इन योजनाओं को तब छोड़ दिया गया जब कोनर 2018 में उस फिल्म को छोड़ दिया था। दोस्तों बता दें अप्रैल 2018 में फिल्म का स्क्रिप्ट का एक मसौदा पूरा कर लिया गया था जब जॉनसन ने कहा कि 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की संभावना थी तो अगस्त के अंत में इस फिल्म के लिए संजीति किले ने एक जो है मसौदा सौंपा था फिल्म के लिए और आगे कहा कि संशोधन चल रहे थे। हरियाम के शाह जो है गार्सिया ने तब कहा था कि साजन फिल्म ब्लैक एडम को भी उनकी अपनी फिल्में देने से प्रत्येक चरित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म विकास होने की अनुमान लगाई गई थी। इस वजह से उन्होंने कहा कि ब्लैक एडम का उनका चेतन दर्शकों के लिए नरम नहीं होगा। वहीं पे समझाते हुए कहा कि नहीं लड़का और इसके साथ जो है स्काउट सुपर हीरो होंगे। इस फिल्म के अंदर ऐसा लड़का किरदार उन्होंने निभाया है जो कि ठीक आपसे ऊपर है, ठीक ये है कि आपका सिर चीर देता है। दिसंबर में जॉनसन ने कहा कि जुमांडी द नेक्स्ट और लेवन के साथ 2019 में रेड नोटिस 2021 के लिए उनकी प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्मांकन 2019 के अंत तक जल्द से जल्द जो शुरू होगा। साजन फिल्म की सफलता रिलीज के बाद ब्लैक एडम न्यू लाइन के प्रथमतिक जो है बन गया था। जून 2019 तक जॉनसन को जंगल क्रू 2021 के निर्देशक के रूप में उनके साथ जो प्रभावित किए गए थे।
जैम कुलेट सारा फिल्म का निर्देशन करने के लिए आए थे, वहीं पे बातचीत कर रहे थे। लेकिन दोस्तों कुलेट सेरा ने ब्लैक एडम को भी सुपर हीरो के रूप में डॉटी हेरे के रूप में वर्णित किया और कहा कि फिल्म जो एडवेंचर कॉमेडी जंगल क्रूज जी के साथ तुलना में जॉन सोन का एक गहरा संस्करण होगा। फिल्म के अंदर देखा गया जॉन सोन ने अक्टूबर में खुलासा किया कि फिल्मांकन जुलाई 2020 में शुरू होगा। अगले महीने घोषणा किया था कि ब्लैक एडम को 22 दिसंबर 2021 को रिलीज किया जाना था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि साजन फिल्म में फिर दिखाई देंगे, लेकिन जस्टिस के साथ जो सोसाइटी ऑफ अमेरिका और JSA के साथ जो सदस्यों का पेश भी इन्होंने किया है। यहाँ फैंस आपने बिल्कुल सही सुना, जॉन सोन ने ये सारी बातों का खुलासा किया है। वहीं पे जॉनसन ने अप्रैल 2020 के माध्यम में कहा था कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन में देरी हुई थी और अब उस वर्ष अगस्त या फिर सितंबर में उत्पादन फिर से इन्होंने शुरू किया। जुलाई 2021 के शुरुआत में बहुत सारे अटकलें आए थे जहां पे शारजिया में शुरू होने की उम्मीद थी मूवी की और नू यानी कि सिटीनो को एटम जो है SMS के साथ लिया गया था। अगस्त में वर्चुअल DC और फैंडम के कार्यक्रम के दौरान जॉनसन ने खुलासा किया था कि JSA फिल्म के संस्करण में एटम और SMS के साथ जो है इनके अलावा हॉकमैन और डॉक्टर फिट के साथ जो है साइक्लोनों में शामिल किए गए हैं। उन्होंने समझाया कि हॉकर गर्ल को मूल रूप से टीम में शामिल किया गया था, लेकिन एक जटिल कारण के कारण जो है अंत तक उसे फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और उसे साइक्लोन से बदल दिया गया। जेरी के साथ आपको बतला दे सोहराब और नोशी रावनी ने सितंबर तक जो स्क्रिप्ट का एक नया मसौदा तैयार किया था फिल्म के लिए। ये सारी तैयारी हो चुकी थी फिल्म के लिए, लेकिन दोस्तों कुलेट सेरा ने जॉनसन के साथ डॉटी हैरी चरित्र की अपनी तुलना पर चर्चा करते हुए कहा, वहीं पे पूरे सिस्टम भ्रष्ट थे और इसलिए आपके पास जो अपराधी थे जो फायदा उठा रहे थे फिल्म के लिए, आपको एक ऐसे पुलिस वाले की जरूरत थी जो कि बकवास में माध्यम से काट सके। मूल रूप से उन्होंने ये कहा कि जरूर ये बहुत यानी कि बेहतरीन मूवी हो सकती है ब्लैक एडम, जो कि उनके सोचने के तरीके के अनुरूप मूवी थी। मुझे लगता है कि ये हर किसी को बहुत पसंद आएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जानते हुए कि कैसे दुनिया में कभी कभी जो है निष्पक्ष नहीं होते हैं लोग, लेकिन आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो खेल के मैदान को बराबर करने के लिए नियम तोड़ते हैं। जॉनसन ने टिप्पणी किया कि ब्लैक एडम उसके जो है आत्मा को संदर्भित करता है जो अपने जो है विश्व दृष्टि और मायोपिक के रूप में वर्णित करते हैं। एडम के लिए ये कहते हुए उसके गलत होने के लिए कोई भी जगह या फिर स्थान नहीं है, किसी और की राय के लिए कोई जगह या फिर स्थान नहीं थे और अपने डर के कारण वह जो कुछ भी करता है उसे सही ठहराने के लिए उसके लिए केवल जगह है। जगह के लिए धक्का देते हैं और धक्का दिया जाता है जहाँ पे अन्य जो है रास्ता नहीं देते हैं फिल्म के लिए। तो फैंस इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है ब्लैक एडम फिल्म को जिसे साल 2022 में रिलीज किया गया है। दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हो या फिर इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें दोस्तों इस फिल्म को बनाने में 260 मिलियन रुपए खर्च हुए थे और मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो 391 मिलियन से अधिक की कमाई फिल्म ने किया है। और दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर हिंदी डब में देखने को नहीं मिलता है। फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो अक्टूबर 3 को रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों जैसे कि आपको पता है इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्लैक एडम फिल्म के बारे में जिसे 2022 में रिलीज किया गया है। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये फिल्म न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया, यहाँ पे DC और इस फिल्म के अंदर कॉमिक्स के चरित्र भी रखे गए हैं। फिल्म के अंदर कैप्टन मार्वल पर आधारित की गई कहानी को लेकर बनाया गया है। 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक जादूगर और साजम से इस मूवी की कुछ कहानियां लिए गए थे जो नायकों की अपनी शक्तियां दिए गए हैं। दोस्तों कानूनी मुद्दों के कारण DC कैप्टन और मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ थे। वहीं पे पीटर सहयोग ने अप्रैल 2006 में फिल्म को निर्देशित करने के लिए साइन अप किया था और वहीं पे ड्वेन जॉनसन से उस वर्ष बाद में कैप्टन मार्वल को चित्रित करने से करने के लिए संपर्क किया गया था, जिन्होंने नवंबर 2007 तक जो है जॉनसन को फिल्म के प्रतिपक्षी
ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभवतः जो उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों के सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था, जब वार्नर ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड डीसी के लिए सुपर हीरो फिल्म की एक स्लेट की योजना बनाना शुरू कर दिया था। वहीं दोस्तों एक्सटेंडेड यूनिवर्स जो है डीसीईयू, उस अगस्त में जॉनसन ने यह कहा था उन लोगों को कि वो अभी भी फिल्म से जुड़ा हुए हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि कैप्टन मार्वल या फिर ब्लैक एडम की भूमिका निभाएंगे। एक महीने बाद जॉनसन ने घोषणा किया था कि वह ब्लैक एडम का किरदार निभाएंगे। जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी के जेफ जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक और सहायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इस बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया। साजन फिल्म, जिसे 2019 में रिलीज किया, आप सभी ने देखा ही होगा। नायक कैप्टन मार्वल और अभिनीत, जिसे जो है डीसी ने तब से साजन फिल्म के रूप में पूर्ण ब्रह्मांड के साथ किया था। ब्लैक एडम फिल्म, जिसमें जॉनसन ने हेंटी हरमे शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों किरदार भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे। जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि किया था कि जॉनसन साजन में दिखाई नहीं देंगे। हालांकि उस फिल्म में जादूगर साजन धारा जादू किए गए ब्लैक एडम के जादुई और होलोग्राम के साथ उनकी समानता का उपयोग किया गया है फिल्म के अंदर। अब दोस्तों 2017 में ये पुष्टि किया गया था कि एडम स्टिक के लिए ब्लैक एडम की एक पद कथा लिखने के लिए काम पर उनको रखा गया था। जॉनसन ने फिल्म के बारे में कहा, उन्होंने ये कहा कि सेवन बॉक्स प्रोडक्शन के डेनी और हिरानी सरगासिया के साथ फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार किया गया था। उस समय आपको बता दें सुसाइड स्क्वाड 2016 की अगली कड़ी में जॉनसन को पहली बार ब्लैक एडम के रूप में प्रदर्शित करने की योजना थी, जिसमें आपको बता दें गोबीन ओ कोनर लेखक थे फिल्म में और संभावित वे निर्देशक के रूप में जुड़े थे। आत्मघाती दस्ते के सदस्यों का इरादा बड़े पैमाने पर किया गया था, हथियार पर नजर रखने का था। वहीं पे जॉनसन के लिए एक छोटी सी भूमिका में ब्लैक एडम के रूप में प्रकट होगा, लेकिन इन योजनाओं को तब छोड़ दिया गया जब कोनर 2018 में उस फिल्म को छोड़ दिया था। दोस्तों बता दें अप्रैल 2018 तक फिल्म का स्क्रिप्ट का एक मसौदा पूरा कर लिया गया था। जब जॉनसन ने कहा कि 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की संभावना थी, तो अगस्त के अंत में इस फिल्म के लिए संजीटी किले ने एक जो है मसौदा सौंपा था फिल्म के लिए, और आगे कहा कि संशोधन चल रहे थे। हरियाम के शाह जो है गार्सिया ने तब कहा था कि साजन फिल्म ब्लैक एडम को भी उनकी अपनी फिल्में देने से प्रत्येक चरित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म विकास होने की अनुमान लगाई गई थी। इस वजह से उन्होंने कहा कि ब्लैक एडम का उनका चेतन दर्शकों के लिए नरम नहीं होगा। वहीं पे समझाते हुए कहा कि नहीं लड़का और इसके साथ जो है स्काउट सुपर हीरो होंगे। इस फिल्म के अंदर ऐसा लड़का किरदार उन्होंने निभाया है जो कि ठीक आपसे ऊपर है, ठीक ये है कि आपका सिर चीर देता है। दिसंबर में जॉनसन ने कहा कि जुमांडी द नेक्स्ट और लेवन के साथ 2019 में रेड नोटिस 2021 के लिए उनकी प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्मांकन 2019 के अंत तक जल्द से जल्द शुरू होगा। साजन फिल्म की सफलता रिलीज के बाद ब्लैक एडम न्यू लाइन के प्रथमतिक जो है बन गया था। जून 2019 तक जॉनसन को जंगल क्रू 2021 के निर्देशक के रूप में उनके साथ जो प्रभावित किए गए थे। जैम कुलेट सारा फिल्म का निर्देशन करने के लिए आए थे, वहीं पे बातचीत कर रहे थे, लेकिन दोस्तों कुलेट सेरा ने ब्लैक एडम को भी सुपर हीरो के रूप में डॉटी हेरे के रूप में वर्णित किया और कहा कि फिल्म जो एडवेंचर कॉमेडी जंगल क्रूज के साथ तुलना में जॉनसन का एक गहरा संस्करण होगा। फिल्म के अंदर देखा गया जॉनसन ने अक्टूबर में खुलासा किया कि फिल्मांकन जुलाई 2020 में शुरू होगा। अगले महीने घोषणा किया था कि ब्लैक एडम को 22 दिसंबर 2021 को रिलीज किया जाना था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि साजन फिल्म में फिर दिखाई देंगे, लेकिन जस्टिस के साथ जो सोसाइटी ऑफ अमेरिका और JSA के साथ जो सदस्यों का पेश भी इन्होंने किया है। जी हाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना, जॉनसन ने सारी बातों का खुलासा किया है। वहीं पे जॉनसन ने अप्रैल 2020 के माध्यम में कहा था कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन में देरी हुई थी और अब उस वर्ष अगस्त या फिर सितंबर में उत्पादन फिर से इन्होंने शुरू किया। जुलाई 2021 के शुरुआत में बहुत सारे अटकलें आए थे, जहां पे शारजिया में शुरू होने की उम्मीद थी मूवी की और नू यानी कि सिटीनो को एटम जो है SMS के साथ लिया गया था। अगस्त में वर्चुअल डीसी और
फैंटम के कार्यक्रम के दौरान जॉनसन ने खुलासा किया था कि जेएस के फिल्म के संस्करण में एटम और एस मैच के साथ जो है इनके अलावा हॉकमैन और डॉक्टर फेट के साथ जो है साइक्लोनों में शामिल किए गए हैं। उन्होंने समझाया कि हॉकर गर्ल को मूल रूप से टीम में शामिल किया गया था, लेकिन एक जटिल कारण के कारण जो है अंत तक उसे फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और उसे साइक्लोन से बदल दिया गया। जेरी के साथ आपको बतला दे, सोहराब और नोशी रावनी ने सितंबर तक जो स्क्रिप्ट का एक नया मसौदा तैयार किया था फिल्म के लिए। ये सारी तैयारी हो चुकी थी फिल्म के लिए, लेकिन दोस्तों कोलेट सेरा ने जॉनसन के साथ डॉटी हैरी चरित्र की अपनी तुलना पर चर्चा करते हुए कहा, वहीं पे पूरे सिस्टम भ्रष्ट थे और इसलिए आपके पास जो अपराधी थे जो फायदा उठा रहे थे फिल्म के लिए, आपको एक ऐसे पुलिस वाले की जरूरत थी जो कि बकवास में माध्यम से काट सके। मूल रूप से उन्होंने ये कहा कि जरूर ये बहुत यानी कि बेहतरीन मूवी हो सकती है ब्लैक एडम, जो कि उनके सोचने के तरीके के अनुरूप मूवी थी। मुझे लगता है कि ये हर किसी को बहुत पसंद आएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जानते हुए कि कैसे दुनिया में कभी कभी जो है निष्पक्ष नहीं होते हैं लोग, लेकिन आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो खेल के मैदान को बराबर करने के लिए नियम तोड़ते हैं। जॉनसन ने टिप्पणी किया कि ब्लैक एडम उसकी जो है आत्मा को संदर्भित करता है जो अपने जो है विश्व दृष्टि और मायोपिक के रूप में वर्णित करते हैं। एडम के लिए ये कहते हुए उसके गलत होने के लिए कोई भी जगह या फिर स्थान नहीं है, किसी और की राय के लिए कोई जगह या फिर स्थान नहीं थे, और अपने डर के कारण वह जो कुछ भी करता है उसे सही ठहराने के लिए उसके लिए केवल जगह है। जगह के लिए धक्का देते हैं और धक्का दिया जाता है जहाँ पे अन्य जो है रास्ता नहीं देते हैं फिल्म के लिए। तो फैंस, इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है ब्लैक एडम फिल्म को, जिसे साल 2022 में रिलीज किया गया है। दोस्तों, अगर आप भी इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हो या फिर इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें दोस्तों, इस फिल्म को बनाने में 260 मिलियन रुपए खर्च हुए थे और मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो 391 मिलियन से अधिक की कमाई फिल्म ने किया है। और दोस्तों, ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर हिंदी डब में देखने को नहीं मिलता है। फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो अक्टूबर 3 को रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्लैक एडम फिल्म के बारे में, जिसे 2022 में रिलीज किया गया है। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये फिल्म न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया, जहाँ पे डीसी और इस फिल्म के अंदर कॉमिक्स के चरित्र भी रखे गए हैं। फिल्म के अंदर कैप्टन मार्वल पर आधारित की गई कहानी को लेकर बनाया गया है। 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक जादूगर और साजम से इस मूवी की कुछ कहानियां लिए गए थे, जो नायकों की अपनी शक्तियां दिए गए हैं। दोस्तों, कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन और मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ थे। वहीं पे पीटर सहयोग ने अप्रैल 2006 में फिल्म को निर्देशित करने के लिए साइन अप किया था, और वहीं पे ड्वेन जॉनसन से उस वर्ष बाद में कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया गया था, जिन्होंने नवंबर 2007 तक जो है जॉनसन को फिल्म के प्रतिपक्षी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभवतः जो उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों के सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था, जब वार्नर ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड डीसी के लिए सुपर हीरो फिल्म की एक स्लेट की योजना बनाना शुरू कर दिया था। वहीं पे दोस्तों, एक्सटेंडेड यूनिवर्स जो है डीसीईयू, उस अगस्त में जॉनसन ने यह कहा था उन लोगों को कि वो अभी भी फिल्म से जुड़ा हुए हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि कैप्टन मार्वल या फिर ब्लैक एडम की भूमिका निभाएंगे। एक महीने बाद जॉनसन ने घोषणा किया था कि वह ब्लैक एडम का किरदार निभाएंगे। जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी के जेफ जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक और सहायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इस बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया। साजम फिल्म, जिसे 2019 में रिलीज किया, आप सभी ने देखा ही होगा। नायक कैप्टन मार्वल और अभिनीत, जिसे जो है डीसी ने तब से साजम फिल्म के रूप में पूर्ण ब्रह्मांड के साथ किया था। ब्लैक एडम फिल्म, जिसमें जॉनसन ने हेंटी हरमे शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों किरदार भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे। जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि किया था कि जॉनसन साजम में दिखाई नहीं देंगे। हालांकि उस फिल्म
में जादूगर साजन धारा, जादूगर साजम धारा जादू किए गए ब्लैक एडम के जादुई और होलोग्राम के साथ उनकी समानता का उपयोग किया गया है फिल्म के अंदर। अब दोस्तों 2017 में ये पुष्टि किया गया था कि एडम स्टिक के लिए ब्लैक एडम की एक पद कथा लिखने के लिए काम पर उनको रखा गया था। जॉन सोन ने फिल्म के बारे में कहा, उन्होंने ये कहा कि सेवन बॉक्स प्रोडक्शन के डेनी और हिरानी सरगासिया के साथ फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार किया गया था। उस समय आपको बता दें सुसाइड स्क्वाड 2016 की अगली कड़ी में जॉन सोन को पहली बार ब्लैक एडम के रूप में प्रदर्शित करने की योजना थी, जिसमें आपको बता दें गोबीन ओ कोनर लेखक थे फिल्म में और संभावित वे निर्देशक के रूप में जुड़े थे। आत्मघाती दस्ते के सदस्यों का इरादा बड़े पैमाने पर किया गया था हथियार पर नजर रखने का था। वहीं पे जॉन सोन के लिए एक छोटी सी भूमिका में ब्लैक एडम के रूप में प्रकट होगा, लेकिन इन योजनाओं को तब छोड़ दिया गया जब कॉनर 2018 में उस फिल्म को छोड़ दिया था। दोस्तों बता दें अप्रैल 2018 तक फिल्म का स्क्रिप्ट का एक मसौदा पूरा कर लिया गया था। जब जॉन सोन ने कहा कि 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की संभावना थी, तो अगस्त के अंत में इस फिल्म के लिए संजीटी किले ने एक जो है मसौदा सौंपा था फिल्म के लिए, और आगे कहा कि संशोधन चल रहे थे। हरियाम के शाह जो है गार्सिया ने तब कहा था कि साजन फिल्म ब्लैक एडम को भी उनकी अपनी फिल्में देने से प्रत्येक चरित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म विकास होने की अनुमान लगाई गई थी। इस वजह से उन्होंने कहा कि ब्लैक एडम का उनका चेतन दर्शकों के लिए नरम नहीं होगा। वहीं पे समझाते हुए कहा कि नहीं लड़का और इसके साथ वे स्काउट सुपर हीरो होंगे। इस फिल्म के अंदर ऐसा लड़का किरदार उन्होंने निभाया है जो कि ठीक आपसे ऊपर है, ठीक ये है कि आपका सिर चीर देता है। दिसंबर में जॉन सोन ने कहा कि जुमांडी द नेक्स्ट और लेवन के साथ 2019 में रेड नोटिस 2021 के लिए उनकी प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्मांकन 2019 के अंत तक जल्द से जल्द शुरू होगा। साजन फिल्म की सफलता रिलीज के बाद ब्लैक एडम न्यू लाइन के प्रथमतिक जो है बन गया था। जून 2019 तक जॉन सोन को जंगल क्रू 2021 के निर्देशक के रूप में उनके साथ जो प्रभावित किए गए थे। जैम कुलेट सारा फिल्म का निर्देशन करने के लिए आए थे, वहीं पे बातचीत कर रहे थे, लेकिन दोस्तों कुलेट सेरा ने ब्लैक एडम को भी सुपर हीरो के रूप में डॉटी हेरे के रूप में वर्णित किया और कहा कि फिल्म जो एडवेंचर कॉमेडी जंगल क्रूज जी के साथ तुलना में जॉन सोन का एक गहरा संस्करण होगा। फिल्म के अंदर देखा गया जॉन सोन ने अक्टूबर में खुलासा किया कि फिल्मांकन जुलाई 2020 में शुरू होगा। अगले महीने घोषणा किया था कि ब्लैक एडम को 22 दिसंबर 2021 को रिलीज किया जाना था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि साजन फिल्म में फिर दिखाई देंगे, लेकिन जस्टिस के साथ जो सोसाइटी ऑफ अमेरिका और JSA के साथ जो सदस्यों का पेश भी इन्होंने किया है। जी हाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना, जॉन सोन ने ये सारी बातों का खुलासा किया है। वहीं पे जॉन सोन ने अप्रैल 2020 के माध्यम में कहा था कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन में देरी हुई थी और अब उस वर्ष अगस्त या फिर सितंबर में उत्पादन फिर से इन्होंने शुरू किया। जुलाई 2021 के शुरुआत में बहुत सारे अटकलें आए थे जहां पे शारजिया में शुरू होने की उम्मीद थी मूवी की, और नो यानी कि सिटीनो को एटम जो है SMS के साथ लिया गया था। अगस्त में वर्चुअल DC और फैंटम के कार्यक्रम के दौरान जॉनसन ने खुलासा किया था कि JS के फिल्म के संस्करण में एटम और SMS के साथ जो है इनके अलावा हॉकमैन और डॉक्टर फिट के साथ जो है साइक्लोनों में शामिल किए गए हैं। उन्होंने समझाया कि हॉकर गर्ल को मूल रूप से टीम में शामिल किया गया था, लेकिन एक जटिल कारण के कारण जो है अंत तक उसे फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और उसे साइक्लोन से बदल दिया गया। जेरी के साथ आपको बतला दे सोहराब और नोशी रावनी ने सितंबर तक जो स्क्रिप्ट का एक नया मसौदा तैयार किया था फिल्म के लिए। ये सारी तैयारी हो चुकी थी फिल्म के, लेकिन दोस्तों कुलेट सेरा ने जॉन सोन के साथ डॉटी हैरी चरित्र की अपनी तुलना पर चर्चा करते हुए कहा, वहीं पे पूरी सिस्टम भ्रष्ट थे और इसलिए आपके पास जो अपराधी थे जो फायदा उठा रहे थे फिल्म के लिए, आपको एक ऐसे पुलिस वाले की जरूरत थी जो कि बकवास में माध्यम से काट सके। मूल रूप से उन्होंने ये कहा कि जरूर ये बहुत यानी कि बेहतरीन मूवी हो सकती है ब्लैक एडम, जो कि उनके सोचने के तरीके के अनुरूप मूवी थी। मुझे लगता है कि ये हर किसी को बहुत पसंद आएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जानते हुए कि कैसे दुनिया में कभी कभी जो है निष्पक्ष नहीं होते हैं लोग, लेकिन आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो खेल के मैदान को बराबर करने के लिए नियम तोड़ते हैं। जॉन सोन ने टिप्पणी किया कि ब्लैक एडम उसकी जो है आत्मा को संदर्भ
साबित करता है जो अपने जो विश्व दृष्टि और मायोपिक के रूप में वर्णित करते हैं। इदन के लिए ये कहते हुए उसके गलत होने के लिए कोई भी जगह या फिर स्थान नहीं है, किसी और की राय के लिए कोई जगह या फिर स्थान नहीं थे, और अपने डर के कारण वह जो कुछ भी करता है उसे सही ठहराने के लिए उसके लिए केवल जगह है, जगह के लिए धक्का देते हैं और धक्का दिया जाता है जहाँ पे अन्य जो है रास्ता नहीं देते हैं फिल्म के लिए। तो फैंस, इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है ब्लैक एडम फिल्म को, जिसे साल 2022 में रिलीज किया गया है। दोस्तों, अगर आप भी इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हो या फिर इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें दोस्तों, इस फिल्म को बनाने में 260 मिलियन रुपए खर्च हुए थे और मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो 391 मिलियन से अधिक कमाई फिल्म ने किया है। और दोस्तों, ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर हिंदी डब में देखने को नहीं मिलता है। फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो अक्टूबर 3 को रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्लैक एडम फिल्म के बारे में, जिसे 2022 में रिलीज किया गया है। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये फिल्म न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया। यहाँ पे डीसी और इस फिल्म के अंदर कॉमिक्स के चरित्र भी रखे गए हैं। फिल्म के अंदर कैप्टन मार्वल पर आधारित की गई कहानी को लेकर बनाया गया है। 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक जादूगर और साजम से इस मूवी की कुछ कहानियां लिए गए थे, जो नायकों की अपनी शक्तियां दिए गए हैं। दोस्तों, कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन और मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ थे। वहीं पे पीटर सहयोग ने अप्रैल 2006 में फिल्म को निर्देशित करने के लिए साइन अप किया था, और वहीं पे ड्वेन जॉनसन से उस वर्ष बाद में कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया गया था, जिन्होंने नवंबर 2007 तक जो है जॉनसन को फिल्म के प्रतिपक्षी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभवतः जो उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों के सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था, जब वार्नर ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड डीसी के लिए सुपर हीरो फिल्म की एक स्लेट की योजना बनाना शुरू कर दिया था। वहीं पे दोस्तों, एक्सटेंडेड यूनिवर्स जो है डीसीईयू, उस अगस्त में जॉनसन ने यह कहा था उन लोगों को कि वो अभी भी फिल्म से जुड़ा हुए हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि कैप्टन मार्वल या फिर ब्लैक एडम की भूमिका निभाएंगे। एक महीने बाद जॉनसन ने घोषणा किया था कि वह ब्लैक एडम का किरदार निभाएंगे। जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी के जेफ जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक और सहायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इस बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया। साजन फिल्म, जिसे 2019 में रिलीज किया, आप सभी ने देखा ही होगा। नायक कैप्टन मार्वल और अभिनीत, जिसे जो है डीसी ने तब से साजन फिल्म के रूप में पूर्ण ब्रह्मांड के साथ किया था। ब्लैक एडम फिल्म, जिसमें जॉनसन ने हेंटी हरमे शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों किरदार भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे। जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि किया था कि जॉनसन साजन में दिखाई नहीं देंगे। हालांकि उस फिल्म में जादूगर साजन धारा जादू किए गए ब्लैक एडम के जादुई और होलोग्राम के साथ उनकी समानता का उपयोग किया गया है फिल्म के अंदर। अब दोस्तों, 2017 में ये पुष्टि किया गया था कि एडम स्टिक के लिए ब्लैक एडम की एक पट कथा लिखने के लिए काम पर उनको रखा गया था। जॉनसन ने फिल्म के बारे में कहा, उन्होंने ये कहा कि सेवन बॉक्स प्रोडक्शन के डेनी और हिरानी सरगासिया के साथ फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार किया गया था। उस समय आपको बता दें, सुसाइड स्क्वाड 2016 की अगली कड़ी में जॉनसन को पहली बार ब्लैक एडम के रूप में प्रदर्शित करने की योजना थी, जिसमें आपको बता दें गोबीन ओ कोनर लेखक थे फिल्म में और संभावित जो निर्देशक के रूप में जुड़े थे। आत्मघाती दस्ते के सदस्यों का इरादा बड़े पैमाने पर किया गया था, हथियार पर नजर रखने का था। वहीं पे जॉनसन के लिए एक छोटी सी भूमिका में ब्लैक एडम के रूप में प्रकट होगा, लेकिन इन योजनाओं को तब छोड़ दिया गया जब कॉनर 2018 में उस फिल्म को छोड़ दिया था। दोस्तों, बता दें अप्रैल 2018 तक फिल्म का स्क्रिप्ट का एक मसौदा पूरा कर लिया गया था। जब जॉनसन ने कहा कि 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की संभावना थी, तो अगस्त के अंत में
इस फिल्म के लिए संजीति किले ने एक जो है मसौदा सौंपा था फिल्म के लिए, और आगे कहा कि संशोधन चल रहे थे। हरियाम के शाह जो है गार्सिया ने तब कहा था कि साजन फिल्म ब्लैकएडम को भी उनकी अपनी फिल्में देने से प्रत्येक चरित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म विकास होने की अनुमान लगाई गई थी। इस वजह से उन्होंने कहा कि ब्लैकएडम का उनका चितन दर्शकों के लिए नरम नहीं होगा। वहीं पे समझाते हुए कहा कि नहीं लड़का और इसके साथ जो स्काउट सुपर हीरो होंगे। इस फिल्म के अंदर ऐसा लड़का किरदार उन्होंने निभाया है जो कि ठीक आपसे ऊपर है, ठीक ये है कि आपका सिर चीर देता है। दिसंबर में जॉनसन ने कहा कि जुमांडी द नेक्स्ट और लेवन के साथ 2019 में रेड नोटिस 2021 के लिए उनकी प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्मांकन 2019 के अंत तक जल्द से जल्द शुरू होगा। साजन फिल्म की सफलता रिलीज के बाद ब्लैकएडम न्यू लाइन के प्रथम अध्यक्ष जो है बन गया था। जून 2019 तक जॉनसन को जंगल क्रू 2021 के निर्देशक के रूप में उनके साथ जो प्रभावित किए गए थे। जेम कुलेट सारा फिल्म का निर्देशन करने के लिए आए थे, वहीं पे बातचीत कर रहे थे। लेकिन दोस्तों कुलेट सेरा ने ब्लैकएडम को भी सुपर हीरो के रूप में डॉटी हेरे के रूप में वर्णित किया और कहा कि फिल्म जो एडवेंचर कॉमेडी जंगल क्रूज के साथ तुलना में जॉनसन का एक गहरा संस्करण होगा। फिल्म के अंदर देखा गया जॉनसन ने अक्टूबर में खुलासा किया कि फिल्मांकन जुलाई 2020 में शुरू होगा। अगले महीने घोषणा किया था कि ब्लैकएडम को 22 दिसंबर 2021 को रिलीज किया जाना था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि साजन फिल्म में फिर दिखाई देंगे, लेकिन जस्टिस के साथ जो सोसाइटी ऑफ अमेरिका और JSA के साथ जो सदस्यों का पेश भी इन्होंने किया है। जी हाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना, जॉनसन ने सारी बातों का खुलासा किया है। वहीं पे जॉनसन ने अप्रैल 2020 के माध्यम में कहा था कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन में देरी हुई थी और अब उस वर्ष अगस्त या फिर सितंबर में उत्पादन फिर से इन्होंने शुरू किया। जुलाई 2021 के शुरुआत में बहुत सारे अटकलें आए थे जहां पे शारजिया में शुरू होने की उम्मीद थी मूवी की, और नू यानी कि सिटीनो को एटम जो है SMS के साथ लिया गया था। अगस्त में वर्चुअल DC और फैंटम के कार्यक्रम के दौरान जॉनसन ने खुलासा किया था कि JS के फिल्म के संस्करण में एटम और SMS के साथ जो है इनके अलावा हॉकमैन और डॉक्टर फिट के साथ जो है साइक्लोनों में शामिल किए गए हैं। उन्होंने समझाया कि हॉकर गर्ल को मूल रूप से टीम में शामिल किया गया था, लेकिन एक जटिल कारण के कारण जो है अंत तक उसे फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और उसे साइक्लोन से बदल दिया गया। जेरी के साथ आपको बतला दे सोहराब और नोशी रावनी ने सितंबर तक जो स्क्रिप्ट का एक नया मसौदा तैयार किया था फिल्म के लिए। ये सारी तैयारी हो चुकी थी फिल्म के लिए, लेकिन दोस्तों कुलेट सेरा ने जॉनसन के साथ डॉटी हैरी चरित्र की अपनी तुलना पर चर्चा करते हुए कहा, वहीं पे पूरे सिस्टम भ्रष्ट थे और इसलिए आपके पास जो अपराधी थे जो फायदा उठा रहे थे फिल्म के लिए, आपको एक ऐसे पुलिस वाले की जरूरत थी जो कि बकवास में माध्यम से काट सके। मूल रूप से उन्होंने ये कहा कि जरूर ये बहुत यानी कि बेहतरीन मूवी हो सकती है ब्लैकएडम, जो कि उनके सोचने के तरीके के अनुरूप मूवी थी। मुझे लगता है कि ये हर किसी को बहुत पसंद आएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जानते हुए कि कैसे दुनिया में कभी कभी जो है निष्पक्ष नहीं होते हैं लोग, लेकिन आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो खेल के मैदान को बराबर करने के लिए नियम तोड़ते हैं। जॉनसन ने टिप्पणी किया कि ब्लैकएडम उसकी जो है आत्मा को संदर्भित करता है जो अपने जो विश्व दृष्टि और मायोपिक के रूप में वर्णित करते हैं। एडम के लिए ये कहते हुए उसके गलत होने के लिए कोई भी जगह या फिर स्थान नहीं है, किसी और की राय के लिए कोई जगह या फिर स्थान नहीं थे, और अपने डर के कारण वह जो कुछ भी करता है उसे सही ठहराने के लिए उसके लिए केवल जगह है। जगह के लिए धक्का देते हैं और धक्का दिया जाता है जहाँ पे अन्य जो है रास्ता नहीं देते हैं फिल्म के लिए। तो फैंस, इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है ब्लैकएडम फिल्म को, जिसे साल 2022 में रिलीज किया गया है। दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म को यूरोप पर हिंदी डब में देखना चाहते हो या फिर इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें दोस्तों, इस फिल्म को बनाने में 260 मिलियन रुपए खर्च हुए थे और मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो 391 मिलियन से अधिक की कमाई फिल्म ने किया है। और दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर हिंदी डब में देखने को नहीं मिलता है। फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो अक्टूबर 3 को रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर फिल्म में जॉनसन के अलावा फिल्म में एलडीज हॉस अभिनय करते हुए दिखाई दी है, उनके साथ इस फिल्म में काम किया है। दोस्तों इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म पिक्चर द्वारा इस मूवीज को बनाया गया है। दोस्तों कहानी के बारे में हम बात करें तो फिल्म की कहानी आदम के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी को दिखाया गया है। दोस्तों इस फिल्म में पुरातत्वविदों के एक
समूह ने अपराध सिंडिकेट इंटर गेंस के ऊपर हमला कर दिया। राष्ट्रों को मुक्त करने के लिए अपने जादुई कारावास से मुक्त किया है। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में जॉनसन को साजन से जोड़ा गया है। मूवी में विकास की शुरुआत के बारे में हम बात करें तो फिल्म की शूटिंग सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक आदम को चित्रित करने की पुष्टि की गई थी, लेकिन दोस्तों फिल्म के निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया। इसी के साथ दोस्तों 2017 में काम पर रखा गया था उनको और कुलेट सारा जून 2019 में दिसंबर में शामिल हुए। इसी तरह दोस्तों 2021 की योजना बंद रिलीज डेट के साथ शामिल हुई थी, लेकिन इस समस्या रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था, जहां पे अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जो है जिसमें जो है जस्टिन और सोसाइटी ऑफ के साथ अमेरिका के 4 सदस्य शामिल थे फिल्म में। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के अंदर हेंस और निशिरुआ द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था। फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक जो है अटका हुआ था, क्योंकि जॉर्जिया के थिएटर स्टूडियो में इस फिल्म को शूटिंग किया जाना था। ब्लैक आदम फिल्म का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और फिल्म को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। वहीं पर 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने अभिनय किया था फिल्म में और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। लेकिन दोस्तों फिल्म की पटकथा की आलोचना भी किया गया, जो 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादन पर इस फिल्म को बनाया गया था। इसके मुकाबले दुनिया भर में फिल्म ने 391 मिलियन की कमाई की। कुछ अनुमानों के अनुसार ये मूवी वियतनाम और वेतन लगाते हुए अपनी जो है कुल लागत को पुनः प्राप्त करने में विफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप जो है प्रकाश ने इसे बॉक्स ऑफिस में बम के रूप में लेबल किया है फिल्म को। आइए दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों 26 ईसा पूर्व में कहन दंग के ऊपर इस फिल्म की कहानी आधारित है। कहन दंग के अत्याचारी राजा अहकटन ने महान शक्ति प्राप्त करने के लिए सबक का ताजा यानी कि एक नया बनाया है। दोस्तों फिल्म के अगले सीन में विद्रोह का मंचन करने का प्रयास करने के बाद एक युवा गुलाम लड़के के ऊपर काउंसिंग ऑफ जो है विजार्ड द्वारा शाजम की शक्तियाँ दी जाती है, जो उसे कहकर एक बीट चैंपियन में बदल देता है, जो कि अहकटन को मारता है और उसका शासन समाप्त कर लेता है। वर्तमान में ये दिखाया गया है, वर्तमान समय में कहन दंग को एक भाड़े के संगठन इंटर गैंग द्वारा प्रतिदित किया गया है, क्योंकि एक जो है प्रतिवादित और प्रतिरोध जो है सेनानी एड्रियाना को टोमास के ऊपर अपने भाई करीम और उनके सहयोगियों के साथ समीर और इस्माइल की मदद से क्राउन ऑफ के साथ सबक का पता लगाने की कोशिश की गई है। जैसे कि आपको बता दें एडिन आना के मुकुट प्राप्त किया गया था। इंटर गैंग ने उन पर घात लगाकर हमला किया और समीर को मार डाला। एड्री आना को एक भाषण पढ़ने के लिए मजबूर किया गया है, जो कि टेड एडम को जगाती है, जिसे वह कहदक के साथ जो है चैंपियन मानती है और एक नींद से उठती है जैसे ही अधिकांश जो इंटर गैंग उसे देख लेता है। दोस्तों फिल्म के अंदर अगले सीन में बताया गया है सैनिकों का वध किए गए हैं। अमेरिकी सरकार के अधिकारी अमांडा वॉलर के साथ एडम को एक खतरा मानते हैं और उसे पकड़ने के लिए जस्टिन सोसाइटी से संपर्क करते हैं। जस्टिन सोसाइटी के सदस्य हकमैन डॉक्टर के फेट के साथ जो साइक्लोन और एटम इस मिशन के साथ एडम की हत्या की होड़ को रोकने के लिए समय पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एड्रियाना को समझाते हैं कि एडम एक गुप्त रक्षक नहीं था बल्कि एक कैदी हत्यारा था। इसी के साथ दोस्तों इस्माइल खुद को जो है कहदक के साथ इंटर गैंग के नेता के रूप में प्रकट करता है। वो अपने आप को इस गैंग का नेता बतलाता है और एड्रियाना के किशोर बेटे अमोना का अपहरण कर लेता है। इसी बीच जिसमें मुकुट को चुरा लिया गया है, उसके सर पे जो मुकुट है उसको चुरा लिया जाता है और छिपा दिया गया। एडम एड्रियाना को और जस्टिन सोसाइटी के साथ जो है ताज ढूंढते हैं और ओमोन के साथ इसका व्यापार करने का इरादा भी रखते हैं। इसके आगे की कहानी के बारे में हम बात करें तो इस्माइल तक पहुंचने पर वह खुद को राजा कहकर टोन के अंतिम वंश के रूप में प्रकट करता है और सिंहासन पर अपना सही स्थान चाहता है। एड्रियाना सविस्ता से ओमोन के जीवन को बचाने के लिए ताज दे देती है, लेकिन इस्माइल ने सौदे के अपने हिस्से को धोखा दिया और आमोन पर गोली चला दी, जिससे एडम ने नियंत्रण खो दिया और अपनी शक्तियों के साथ ठिकाने को नष्ट कर दिया। इस्माइल को मार डाला और आमोन को घायल कर दिया गया। अपराध बोझ से ग्रस्त एडम एहट के साथ जो है टॉन और मालते के साथ जो है उनके साथ खंडहरों की भाग लेते हैं।
हक मैन को बताते हैं कि पहद्दम के चैंपियन की किन वदातियों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। यह एक एदम का बेटा तरुण था, इसे जो है साजन की शक्तियाँ प्रदान की गई और कहतक का चैंपियन बना दिया गया था। ये जानते हुए कि उनके साथ जो है हुरूत अजय था, हक टॉन से हथियारों को उनके साथ जो है कि हुरूत के परिवार को मारने का निर्देश लिया है, जिसमें एदम और हुरूत की माँ भी शामिल थी। हुरूत ने एदम को अपने जीवन को बचाने के लिए अपनी शक्तियाँ दी और हफ्टन के हथियारों ने तुरंत डी परवर्ड और वहीं पे हुरूत के मार डाला था, जिससे जो है क्रोधित एदम ने राजा के सभी लोगों का नर हाश कर दिया और अनजाने में उसके महल को नष्ट कर दिया। इसके बाद आपको बदला दे जादूगरों की परिषद धारा जो है अयोग्य समझ जाने पर एदम ने साजन को छोड़कर गुस्से में उन सभी पर हमला किया और उन्हें मार डाला जो एदम के मकबरे के भीतर सबैक के साथ जो है साथ जाते थे और कैद करने में सफल रहे थे। ये सब कुछ होने के बाद दोस्तों सच्चे नायक बनने में असमर्थ महसूस करते हुए एदम आत्मसमर्पण कर देता है और जस्टिन सोसाइटी उसे अंटार्कटिका में एक गुप्त अंदर वाटर टास्क फोर्स व एक्स ब्लैक साइट पर ले जाते हैं, जहाँ पे भाग्य को हकमैन की आश्चर्य मृत्यु का पूर्वाभास होते हैं। जैसा कि जस्टिन सोसाइटी शहर में लौटती है, उन्हें जो एहसास होता है कि इस्माइल ने जानबूझकर एदम को उसे मारने के लिए उकसाया था, जबकि उसने क्राउन पहना था। जैसा कि इस्माइल जो है सबक के 6 और रक्षकों के साथ चैंपियन के रूप में पुनर्जन्म लेता है फिल्म के अंदर और अपने जो है सिंहासन का दावा करने के लिए अंडरवर्ल्ड से उठ जाता है। जब जो है सबैक कहकर उन्हें आते हैं तो उनके साथ आतंकित करने के लिए नर्क की सेनाओं को बुलाते हैं, जो लोगों को आमोन और एड्रियाना और उनके साथ क्रीम थारम मारे हुए थे। उनके साथ जो पीछे हटने के लिए लामबंद किया जाता है, क्योंकि जस्टिन सोसाइटी सबैक का सामना करने के लिए तैयार होती है। हालांकि भाग्य अपने जो है साथियों को प्रवेश करने से रोकने वाले और खंडहरों को चारों ओर एक जादुई बल क्षेत्रीय बनाते हैं। ये खुलासा करते हुए कि हकमैन की मृत्यु को उनके बलिदान से टाला जा सकता है, जैसा कि वह सबाक के साथ अकेले लड़ते हैं। भाग्य ने क्रियो की नींद में एदम से बात करते हुए एदम को रिहा करने के लिए सूक्ष्म और प्रशिक्षण का उपयोग किया, सबैक भाग्य को मार देते। इसी बीच इसके बाद दोस्तों परिणाम स्वरूप ये होता है कि बल क्षेत्रों को भंग कर दिया जाता है और अन्य नायकों को लड़ने की अनुमति दी जाती है और एदम ठीक वैसे ही आते हैं जैसे जो सबक जस्टिन और सोसाइटी को मारने वाले होते हैं। हक मैन धारा फेट के हेलमेट का उपयोग करने से सहायता के साथ एदम जो है सबैक को मारने की कोशिश करता है और जस्टिन सोसाइटी एदम के साथ अच्छी शर्तों पर प्रस्थान करती है, जो पुराने सिंहासन को नष्ट करने और एक नया नाम अपनाने के बाद उनके साथ कहतक के रक्षक के रूप में अपनी नई भूमिका स्वीकार करता है। ब्लैक एदम एक मेड क्रेडिट दृश्य में उनके वालर एक उद्यम के साथ शुरू होते जाते एदम के साथ संवाद करता है और उसे कहतक छोड़ने के खिलाफ चेतावनी देता है। बाद में सुपरमैन आता है और सुझाव देता है कि उन्हें बात करनी चाहिए उनसे। और दोस्तों इस फिल्म की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे ब्लैक एडम फिल्म को। फैंस में सिर्फ मूवी की बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आप लोग को बता सकता हूं। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अभी यूट्यूब पर हिंदी ड्रॉप में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें न्यू लेंस सिनेमा ने साजन का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक्स के चरित्र कैप्टन जो है मार्वल पर आधारित की गई थी, जिसे 2000 के दशक में रिलीज किया जाना था। दोस्तों फिल्म की कहानी साल 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक जो है जादूगर साजन में से आया था, जो नायक को अपनी शक्तियाँ देता है। कानूनी मुद्दे के कारण डीसी कैप्टन और मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ था। पीटर सहयोग ने अप्रैल 2006 में फिल्म को निर्देशित करने के लिए साइन किया था और आपको बता दें ड्वेन जॉनसन से उससे संपर्क के बाद एक कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया गया था। नवंबर 2007 तक जो है जॉनसन को फिल्म के प्रतिपक्ष ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव ये था कि किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी। फिल्म के विकास के ऊपर बात करें तो जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था मूवी की शूटिंग को, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू कर दिया गया था।
जब वार्नर ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा जो है ब्राहम डीसी के लिए सुपर हीरो फिल्म की एक स्लेट की योजना बनाना शुरू किया था। इसी के साथ दोस्तों एक्सटेंडेड यूनिवर्स जो है DCU4 के साथ उस अगस्त में जॉनसन ने कहा था कि उस सभी यानी कि फिल्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि वो कैप्टन मार्वल या फिर ब्लैक आदम की भूमिका निभाएंगे। एक महीने बाद जॉनसन ने घोषणा किया है कि वह ब्लैक आदम का किरदार निभाएंगे। जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी के जेफ जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता के फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक और सहायक चित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया। साजन फिल्म 2019 में रिलीज हुई नायक कप्तान और मार्वल के साथ अभिनीत की गई, जिसे जो है डीसी ने तब से जो है साजम फिल्म के रूप में पूर्ण और ब्रांडेड किया था। और ब्लैक एडम फिल्म जिसमें जो है जॉनसन ने हिंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया। जॉनसन ने कहा कि दोनों किरदार भविष्य के पर्दे पर मिलेंगे। जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि किया था कि जॉनसन साजम फिल्म में दिखाई नहीं देंगे। हालांकि उस फिल्म में जादूगर साजम द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम के जादुई यानी कि होलोग्राम के लिए उनकी सामना का उपयोग किया गया था फिल्म के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अक्टूबर 2017 में एडम के साथ इस डटिल को ब्लैक एडम के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। जॉनसन ने इस फिल्म के लिए ब्लू फिल्म के साथ जो है सेवन बॉक्स और प्रोडक्शन के साथ डेनी और हिराम के साथ जो है गार्सिया के साथ फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार हुए थे। उस समय दोस्तों बतला दे इस वाडा 2016 की अगली कड़ी फिल्म में जॉनसन को पहली बार ब्लैक एडम के रूप में प्रदर्शित करने की योजना थी। इसमें गोबीन को उनके साथ कॉनर और लेखक के साथ जो संभावित निर्देशक के रूप में जुड़े थे। आत्मघाती दस्ते के सदस्यों का इरादा बड़े पैमाने पर निशाना के रूप में हथियार पर नजर रखने का काम था, जो जॉनसन के लिए एक छोटी सी भूमिका में ब्लैक एडम के रूप में प्रकट होगा। लेकिन इन योजनाओं को तब छोड़ दिया गया जब वो कॉनर के 2018 में उस फिल्म को छोड़ दिया था। इसी के साथ दोस्तों अप्रैल 2018 तक इस स्क्रिप्ट का एक मसौदा पूरा कर लिया गया था, जहां जॉनसन ने कहा था कि 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की संभावना थी। अगस्त के अंत में आपको बतला दे इस फिल्म के अंदर और मसौदा जो है सौंप दिया गया था और आगे के संशोधन चल रहे थे। इसी के साथ दोस्तों बतला दे गार्सिया ने तब कहा था कि साजन फिल्म और ब्लैक एडम को उनकी पहली जो फिल्म देने से प्रत्येक चरित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और विकसित होने की अनुमति मिल रही थी। और उन्होंने कहा था कि फिल्म में जॉनसन के अलावा फिल्म में एलडीज हॉस अभिनय करते हुए दिखाई दी है, उनके साथ इस फिल्म में काम किया है। दोस्तों इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म पिक्चर द्वारा इस मूवी को बनाया गया है। दोस्तों कहानी के बारे में हम बात करें तो फिल्म की कहानी आदम के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी को दिखाया गया है। दोस्तों इस फिल्म में पुरातत्वविदों के एक समूह ने अपराध सिंडिकेट इंटर गेंस के ऊपर हमला कर दिया, राष्ट्र को मुक्त करने के लिए अपने जादुई कारावास से मुक्त किया है। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में जॉनसन को साजन से जोड़ा गया है। मूवी में विकास की शुरुआत के बारे में हम बात करें तो फिल्म की शूटिंग सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक आदम को चित्रित करने की पुष्टि की गई थी, लेकिन दोस्तों फिल्म के निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया। इसी के साथ दोस्तों 2017 में काम पर रखा गया था उनको और कुलेट सारा जून 2019 में दिसंबर में शामिल हुए। इसी तरह दोस्तों 2021 की योजनाबंद रिलीज डेट के साथ शामिल हुई थी, लेकिन इस समस्या रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था, जहां पे अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जो है जिसमें जो है जस्टिन और सोसाइटी ऑफ के साथ अमेरिका के 4 सदस्य शामिल थे फिल्म में। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के अंदर हेंस और नेसिरवा द्वारा इस स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था। फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक जो है अटका हुआ था, क्योंकि जॉर्जिया के थिएटर स्टूडियो में इस फिल्म को शूटिंग किया जाना था। ब्लैक आदम फिल्म का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और फिल्म को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया। वहीं पे 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली,
जिन्होंने अभिनय किया था फिल्म में और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। लेकिन दोस्तों फिल्म की पटकथा की आलोचना भी किया गया, जो 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादन पर इस फिल्म को बनाया गया था। इसके मुकाबले दुनिया भर में फिल्म ने 391 मिलियन की कमाई की। कुछ अनुमानों के अनुसार ये मूवी वियतनाम और वेतन लगाते हुए अपनी जो है कुल लागत को पुनः प्राप्त करने में विफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप जो है प्रकाश ने इसे बॉक्स ऑफिस में बम के रूप में लेबल किया है फिल्म को। आइए दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों 26 ईसा पूर्व में कहन दंग के ऊपर इस फिल्म की कहानी आधारित है। कहन दंग के अत्याचारी राजा अहकटन ने महान शक्ति प्राप्त करने के लिए सबक का ताजा यानी कि एक नया बनाया है। दोस्तों फिल्म के अगले सीन में विद्रोह का मंचन करने का प्रयास करने के बाद एक युवा गुलाम लड़के के ऊपर काउंसिंग ऑफ जो है विजार्ड द्वारा शाजम की शक्तियाँ दी जाती है, जो उसे कहकर एक वीर चैंपियन में बदल देता है, जो कि अहकटन को मारता है और उसका शासन समाप्त कर लेता है। वर्तमान में ये दिखाया गया है, वर्तमान समय में कहन दंग को एक भाड़े के संगठन इंटर गैंग द्वारा प्रतिदित किया गया है, क्योंकि एक जो प्रतिवादित और प्रतिरोध जो सेनानी एड्रियाना को टोमास के ऊपर अपने भाई करीम और उनके सहयोगियों के साथ समीर और इस्माइल की मदद से क्राउन ऑफ के साथ सबई का पता लगाने की कोशिश की गई है। जैसे कि आपको बता दें एडिन आना के मुकुट प्राप्त किया गया था। इंटर गैंग ने उन पर घात लगाकर हमला किया और समीर को मार डाला। एड्री आना को एक भाषण पढ़ने के लिए मजबूर किया गया है, जो कि टेड एडम को जगाती है, जिसे वह कहतक के साथ जो है चैंपियन मानती है और एक नींद से उठती है जैसे ही अधिकांश जो इंटर गैंग उसे देख लेता है। दोस्तों फिल्म के अंदर अगले सीन्स में बताया गया है सैनिकों का वध किए गए हैं। अमेरिकी सरकार के अधिकारी अमांडा वॉलर के साथ एडम को एक खतरा मानते हैं और उसे पकड़ने के लिए जस्टिन सोसाइटी से संपर्क करते हैं। जस्टिन सोसाइटी के सदस्य हकमैन डॉक्टर के फेट के साथ जो साइक्लोन और एटम एस मिशन के साथ एडम की हत्या की होड़ को रोकने के लिए समय पर पहुँच जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एड्रियाना को समझाते हैं कि एडम एक गुप्त रक्षक नहीं था बल्कि एक कैदी हत्यारा था। इसी के साथ दोस्तों इस्माइल खुद को जो है कहत दब के साथ इंटर गैंग के नेता के रूप में प्रकट करता है। वो अपने आप को इस गैंग का नेता बतलाता है और एड्रियाना के किशोर बेटे अमोना का अपहरण कर लेता है। इसी बीच जिसमें मुकुट को चुरा लिया गया है, उसके सर पे जो मुकुट है उसको चुरा लिया जाता है और छिपा दिया गया। एडम एड्रियाना को और जस्टिन सोसाइटी के साथ जो है ताज ढूंढते हैं और अमोन के साथ इसका व्यापार करने का इरादा भी रखते हैं। इसके आगे की कहानी के बारे में हम बात करें तो इस्माइल तक पहुंचने पर वह खुद को राजा कहकर टोन के अंतिम वंश के रूप में प्रकट करता है और सिंहासन पर अपना सही स्थान चाहता है। एड्रियाना सविस्ता से ओमोम के जीवन को बचाने के लिए ताज दे देती है, लेकिन इस्माइल ने सौदे के अपने हिस्से को धोखा दिया और आमोन पर गोली चला दी, जिससे एडम ने नियंत्रण खो दिया और अपनी शक्तियों के साथ ठिकाने को नष्ट कर दिया। इस्माइल को मार डाला और अमोन को घायल कर दिया गया। अपराध बोझ से ग्रस्त एडम एहक के साथ जो है टन और मालते के साथ जो है उनके साथ खंडहरों की भाग लेते हैं। हकमैन को बताते हैं कि कहदम के चैंपियन की किन वदातियों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। यह एक एडम का बेटा तरुण था, इसे जो है साजन की शक्तियां प्रदान की गई और कहदम का चैंपियन बना दिया गया था। ये जानते हुए कि उनके साथ जो है हुरूत अजय था, अहक टॉन से हत्यारों को उनके साथ जो है इनकी हुरूत के परिवार को मारने का निर्देश दिया है, जिसमें एडम और हुरूत की माँ भी शामिल थी। हुरूत ने एडम को अपने जीवन को बचाने के लिए अपनी शक्तियाँ दी और अहकटन के हथियारों ने तुरंत डीप परवर्ट और वहीं पे हुरूत के मार डाला था, जिससे जो है क्रोधित एडम ने राजा के सभी लोगों का नरहाश कर दिया और अनजाने में उसके महल को नष्ट कर दिया। इसके बाद आपको बता दें जादूगरों की परिषद द्वारा जो है अयोग्य समझ जाने पर एडम ने साजन को छोड़कर गुस्से में उन सभी पर हमला किया और उन्हें मार डाला जो एडम के मकबरे के भीतर सबैक के साथ जो है साथ जाते थे और कैद करने में सफल रहे थे। ये सब कुछ होने के बाद दोस्तों सच्चे नायक बनने में असमर्थ महसूस करते हुए एडम आत्मसमर्पण कर देता है और जस्टिन सोसाइटी
है कि उसे अंटार्कटिका में एक गुप्त अंदर वाटर टास्क फोर्स में एक्स ब्लैक साइट पर ले जाते हैं, जहां पे भाग्य को हकमैन की आश्चर्य मृत्यु का पूर्वाभास होते हैं। जैसा कि जस्टिन सोसाइटी शहर में लौटती है, उन्हें जो एहसास होता है कि इस माइल ने जानबूझकर एडम को उसे मारने के लिए उकसाया था, जबकि उसने क्राउन पहना था। जैसा कि इस्माइल जो है सबक के 6 और रक्षकों के साथ चैंपियन के रूप में पुनर्जन्म लेता है फिल्म के अंदर, और अपने जो है सिंहासन का दावा करने के लिए अंडरवर्ल्ड से उड़ जाता है। जब जो है सबक कहकर उन्हें आते हैं तो उनके साथ आतंकित करने के लिए नर्क की सेनाओं को बुलाते हैं, जो लोगों को आमोन और एड्रियाना और उनके साथ क्रीम धारम मारे हुए थे, उनके साथ जो पीछे हटने के लिए लाम बंद किया जाता है, क्योंकि जस्टिन सोसाइटी सबैका का सामना करने के लिए तैयार होती है। हालांकि भाग्य अपने जो है साथियों को प्रवेश करने से रोकने वाले और खंडहरों को चारों ओर एक जादुई बल क्षेत्रीय बनाते हैं। ये खुलासा करते हुए कि हकमैन की मृत्यु को उनके बलिदान से टाला जा सकता है, जैसा कि वह सबाक के साथ अकेले लड़ते हैं, भाग्य ने क्रियो की नींद में एडम से बात करते हुए एडम को रिहा करने के लिए सूक्ष्म और प्रशिक्षण का उपयोग किया, सबक भाग्य को मार देते दे इसी बीच। इसके बाद दोस्तों परिणाम स्वरूप ये होता है कि बल क्षेत्रों को भंग कर दिया जाता है और अन्य नायकों को लड़ने की अनुमति दी जाती है, और एडम ठीक वैसे ही आते हैं जैसे जो सबक जस्टिन और सोसाइटी को मारने वाले होते हैं। हकमैन धारक फेट के हेलमेट का उपयोग करने से सहायता के साथ एडम जो है सबक को मारने की कोशिश करता है, और जस्टिन सोसाइटी एडम के साथ अच्छी शर्तों पर प्रस्थान करती है, जो पुराने सिंहासन को नष्ट करने और एक नया नाम अपनाने के बाद उनके साथ कहदक के रक्षक के रूप में अपनी नई भूमिका स्वीकार करता है। ब्लैक एडम एक मिड क्रेडिट दृश्य में उनके वॉलर एक उद्यम के साथ शुरू होती है, जहाँ पे एडम के साथ संवाद करता है और उसे कहदक छोड़ने के खिलाफ चेतावनी देता है। बाद में सुपरमैन आता है और सुझाव देता है कि उन्हें बात करनी चाहिए उनसे। और दोस्तों इस फिल्म की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ब्लैक एडम फिल्म को। फैंस में सिर्फ मूवी की बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आप लोग को बता सकता हूं। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अभी यूरोप और हिंदी ड्रॉप में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें न्यू लाइन सिनेमा ने साजन का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक्स के चरित्र कैप्टन जो है मार्वल पर आधारित की गई थी, जिसे 2000 के दशक में रिलीज किया जाना था। दोस्तों फिल्म की कहानी साल 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक जो है जादूगर साजन में से आया था, जो नायक को अपनी शक्तियां देता है। कानूनी मुद्दे के कारण डीसी कैप्टन और मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ था। पीटर सहयोग ने अप्रैल 2006 में फिल्म को निर्देशित करने के लिए साइन किया था, और आपको बता दें ड्वेन जॉनसन से उससे संपर्क के बाद एक कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया गया था। नवंबर 2007 तक जो है जॉनसन को फिल्म के प्रतिपक्ष ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी, और संभव ये था कि किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म के विकास के ऊपर बात करते तो जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था मूवी की शूटिंग को, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू कर दिया गया था, जब वार्नर ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा जो है ब्राह्म डीसी के लिए सुपर हीरो फिल्म की एक स्लेट की योजना बनाना शुरू किया था। इसी के साथ दोस्तों एक्सटेंडेड यूनिवर्स जो है DCU4 के साथ उस अगस्त में जॉनसन ने कहा था कि उस सभी यानी कि फिल्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि वो कैप्टन मार्वल या फिर ब्लैक एडम की भूमिका निभाएंगे। एक महीने बाद जॉनसन ने घोषणा किया है कि वह ब्लैक एडम का किरदार निभाएंगे। जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी के जेफ जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता के फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक और सहायक चित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया। साजन फिल्म 2019 में रिलीज हुई नायक कप्तान और मारून के साथ अभिनीत की गई, जिसे जो है डीसी ने तब से जो है साजन फिल्म के रूप में पूर्ण और ब्रांडेड किया था, और ब्लैक एडम फिल्म जिसमें जो है जॉनसन ने
हिंदी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया। जॉनसन ने कहा कि दोनों किरदार भविष्य के पर्दे पर मिलेंगे। जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि किया था कि जॉनसन साजन फिल्म में दिखाई नहीं देंगे। हालांकि उस फिल्म में जादूगर साजन धारा जादू किए गए ब्लैक एडम के जादुई यानी कि होलोग्राम के लिए उनकी सामना का उपयोग किया गया था फिल्म के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अक्टूबर 2017 में एडम के साथ जो है इस जटिल को ब्लैक एडम के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। जॉनसन ने इस फिल्म के लिए ब्यू फिल्म के साथ जो है सेवन बॉक्स और प्रोडक्शन के साथ डेनी और हिराम के साथ जो है गार्सिया के साथ फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार हुए थे। उस समय दोस्तों बतला दे इस वाडा 2016 की अगली कड़ी फिल्म में जॉनसन को पहली बार ब्लैक एडम के रूप में प्रदर्शित करने की योजना थी, जिसमें गोबीन को उनके साथ कॉनर और लेखक के साथ जो संभावित निर्देशक के रूप में जुड़े थे। आत्मघाती दस्ते के सदस्यों का इरादा बड़े पैमाने पर निशाना के रूप में हथियार पर नजर रखने का काम था, जो जॉनसन के लिए एक छोटी सी भूमिका में ब्लैक एडम के रूप में प्रकट होगा। लेकिन इन योजनाओं को तब छोड़ दिया गया जब वो कॉनर के 2018 में उस फिल्म को छोड़ दिया था। इसी के साथ दोस्तों अप्रैल 2018 तक इस स्क्रिप्ट का एक मसौदा पूरा कर लिया गया था, जहां जॉनसन ने कहा था कि 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की संभावना थी। अगस्त के अंत में आपको बतला दे इस फिल्म के अंदर और मसौदा जो है सौंप दिया गया था और आगे के संशोधन चल रहे थे। इसी के साथ दोस्तों बतला दे गार्सियासा ने तब कहा था कि साजन फिल्म और ब्लैक एडम को उनकी पहली जो है फिल्म देने से प्रत्येक चरित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और विकसित होने की अनुमति मिल रही थी। और उन्होंने कहा था तो फिल्म में जॉनसन के अलावा फिल्म में एलडीज हॉस अभिनय करती हुई दिखाई दी है, उनके साथ इस फिल्म में काम किया है। दोस्तों इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म पिक्चर द्वारा इस मूवीज को बनाया गया है। दोस्तों कहानी के बारे में हम बात करें तो फिल्म की कहानी आदम के एक दिन घूमती हुई कहानी को दिखाया गया है। दोस्तों इस फिल्म में पुरातत्वविदों के एक समूह ने अपराध सिंडिकेट इंटरजेंस के ऊपर हमला कर दिया। राष्ट्र को मुक्त करने के लिए अपने जादुई कारावास से मुक्त किया है। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में जॉनसन को साजन से जोड़ा गया है। मूवी में विकास की शुरुआत के बारे में हम बात करें तो फिल्म की शूटिंग सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की गई थी। लेकिन दोस्तों फिल्म के निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया। इसी के साथ दोस्तों 2017 में काम पर रखा गया था उनको और कुलेट सारा जून 2019 में दिसंबर में शामिल हुए। इसी तरह दोस्तों 2021 की योजना बंद रिलीज डेट के साथ शामिल हुई थी, लेकिन इस समस्या रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था, जहां पे अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जो है जिसमें जो है जस्टिन और सोसाइटी ऑफ के साथ अमेरिका के 4 सदस्य शामिल थे फिल्म में। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के अंदर हेंस और नसीरुआ धारा इस स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था। फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक जो है अटका हुआ था, क्योंकि जार्जिया के थिएटर स्टूडियो में इस फिल्म को शूटिंग किया जाना था। ब्लैक एडम फिल्म का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और फिल्म को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। वहीं पर 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने अभिनय किया था फिल्म में और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। लेकिन दोस्तों फिल्म की पटकथा की आलोचना भी किया गया, जो 190 से लेकर $260 मिलियन के उत्पादन पर इस फिल्म को बनाया गया था। इसके मुकाबले दुनिया भर में फिल्म ने 391 मिलियन की कमाई की। कुछ अनुमानों के अनुसार ये मूवी वियतनाम और वेतन लगाते हुए अपनी जो है कुल लागत को पुनः प्राप्त करने में विफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप जो है प्रकाश ने इसे बॉक्स ऑफिस में बम के रूप में लेबल किया है फिल्म को। आइए दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों 26 ईसा पूर्व में कहन दंग के ऊपर इस फिल्म की कहानी आधारित है। कहन दंग के अत्याचारी राजा अहकटन ने महान शक्ति प्राप्त करने के लिए सबक का ताजा यानी कि एक नया बनाया है। तो फिल्म के अगले सीन में विद्रोह का मंचन करने का प्रयास करने के बाद एक युवा गुलाम लड़के के ऊपर काउंसिंग ऑफ जो है विजार्ड द्वारा साजन की शक्तियाँ दी जाती है, जो उसे कहकर एक बीट चैंपियन में बदल देता है, जो कि अहकटन को मारता है और उसका शासन समाप्त कर लेता है। वर्तमान में ये दिखाया गया है, वर्तमान समय में कहंग दंग को एक भाड़े के संगठन इंटर गैंग द्वारा प्रतिदित किया गया है, क्योंकि एक जो है प्रतिवादित और प्रतिरोध जो है सेनानी एड्रियाना को
टोमास के ऊपर अपने भाई करीम और उनके सहयोगियों के साथ समीर और इस्माइल की मदद से क्राउन ऑफ के साथ सबई का पता लगाने की कोशिश की गई है। जैसे कि आपको बता दें, एडिन आना के मुकुट प्राप्त किया गया था। इंटर गैंग ने उन पर घात लगाकर हमला किया और समीर को मार डाला। एड्रियाना को एक भाषण पढ़ने के लिए मजबूर किया गया है, जो कि टेड एडम को जगाती है, जिसे वह कहदक के साथ जो है चैंपियन मानती है और एक नींद से उठती है, जैसे ही अधिकांश जो इंटर गैंग उसे देख लेता है। दोस्तों, फिल्म के अंदर अगले सीन्स में बताया गया है सैनिकों का वध किए गए हैं। अमेरिकी सरकार के अधिकारी अमांडा वॉलर के साथ एडम को एक खतरा मानते हैं और उसे पकड़ने के लिए जस्टिन सोसाइटी से संपर्क करते हैं। जस्टिन सोसाइटी के सदस्य हकमैन डॉक्टर के फेट के साथ जो साइक्लोन और एटम इस मिशन के साथ एडम की हत्या की होड को रोकने के लिए समय पर पहुँच जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एड्रियाना को समझाते हैं कि एडम एक गुप्त रक्षक नहीं था बल्कि एक कैदी हत्यारा था। इसी के साथ दोस्तों, इस्माइल खुद को जो है कहदक के साथ इंटर गैंग के नेता के रूप में प्रकट करता है। वो अपने आप को इस गैंग का नेता बतलाता है और एड्रियाना के किशोर बेटे अमोना का अपहरण कर लेता है। इसी बीच जिसमें मुकुट को चुरा लिया गया है, उसके सर पे जो मुकुट है उसको चुरा लिया जाता है और छिपा दिया गया। एडम एड्रियाना को और जस्टिन सोसाइटी के साथ जो है ताज ढूंढते हैं और ओमोन के साथ इसका व्यापार करने का इरादा भी रखते हैं। इसके आगे की कहानी के बारे में हम बात करें तो इस्माइल तक पहुंचने पर वह खुद को राजा कहकर टोन के अंतिम वंश के रूप में प्रकट करता है और सिंहासन पर अपना सही स्थान चाहता है। एड्रियाना सविस्ता से ओमोम के जीवन को बचाने के लिए ताज दे देती है, लेकिन इस्माइल ने सौदे के अपने हिस्से को धोखा दिया और आमोन पर गोली चला दी, जिससे एडम ने नियंत्रण खो दिया और अपनी शक्तियों के साथ ठिकाने को नष्ट कर दिया। इस्माइल को मार डाला और आमोन को घायल कर दिया गया। अपराध बोझ से ग्रस्त एडम एहक के साथ जो है टॉन और मालते के साथ जो है उनके साथ खंडहरों की भाग लेते हैं। हकमैन को बताते हैं कि कहदम के चैंपियन की किन वदातियों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। यह एक एडम का बेटा तरुण था, इसे जो है साजन की शक्तियाँ प्रदान की गई और कहदक का चैंपियन बना दिया गया था। ये जानते हुए कि उनके साथ जो है हुरूत अजय था, अहक टॉन से हत्यारों को उनके साथ जो है इनकी हुरूत के परिवार को मारने का निर्देश लिया है, जिसमें एडम और हुरूत की मां भी शामिल थी। हुरूत ने एडम को अपने जीवन को बचाने के लिए अपनी शक्तियाँ दी और अहकटन के हथियारों ने तुरंत डी परवर्ड और वहीं पे हुरूत के मार डाला था। इससे जो है क्रोधित एडम ने राजा के सभी लोगों का नरहाश कर दिया और अनजाने में उसके महल को नष्ट कर दिया। इसके बाद आपको बता दें, जादूगरों की परिषद धारा जो है अयोग्य समझ जाने पर एडम ने साजन को छोड़कर गुस्से में उन सभी पर हमला किया और उन्हें मार डाला जो एडम के मकबरे के भीतर सबैक के जादू है साथ जाते थे और कैद करने में सफल रहे थे। ये सब कुछ होने के बाद दोस्तों, सच्चे नायक बनने में असमर्थ महसूस करते हुए एडम आत्मसमर्पण कर देता है और जस्टिन सोसाइटी उसे अंटार्कटिका में एक गुप्त अंदर वाटर टास्क फोर्स व एक्स ब्लैक साइट पर ले जाते हैं, जहाँ पे भाग्य को हकमैन की आश्चर्य मृत्यु का पूर्वाभास होते हैं। जैसा कि जस्टिन सोसाइटी शहर में लौटती है, उन्हें जो एहसास होता है कि इस्माइल ने जानबूझकर एडम को उसे मारने के लिए उकसाया था, जबकि उसने क्राउन पहना था। जैसा कि इस्माइल जो है सबक के छह और रक्षकों के साथ चैंपियन के रूप में पुनर्जन्म लेता है फिल्म के अंदर और अपने जो है सिंहासन का दावा करने के लिए अंडरवर्ल्ड से उठ जाता है। जब जो है सबक कहकर उन्हें आते हैं तो उनके साथ आतंकित करने के लिए नर्क की सेनाओं को बुलाते हैं, जो लोगों को आमोन और एड्रियाना और उनके साथ क्रीम धारम मारे हुए थे उनके साथ जो पीछे हटने के लिए लाम बंद किया जाता है, क्योंकि जस्टिन सोसाइटी सबई का सामना करने के लिए तैयार होती है। हालांकि भाग्य अपने जो है साथियों को प्रवेश करने से रोकने वाले और खंडहरों को चारों ओर एक जादुई बल क्षेत्रीय बनाते हैं। ये खुलासा करते हुए कि हकमैन की मृत्यु को उनके बलिदान से टाला जा सकता है, जैसा कि वह सबाक के साथ अकेले लड़ते हैं। भाग्य ने क्रियो की नींद में एडम से बात करते हुए एडम को रिहा करने के लिए सूक्ष्म और प्रशिक्षण का उपयोग किया, सबक भाग्य को मार देते। इसी बीच दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्लैक एडम फिल्म के बारे में, जिसे 2022 में रिलीज किया गया है। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को यूरोप पर हिंदी डब में देखना चाहते हैं
हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये फिल्म न्यू लाइन सिनेमा ने साजम का विकास शुरू किया, जहाँ पे डीसी और इस फिल्म के अंदर कॉमिक्स के चरित्र भी रखे गए हैं। फिल्म के अंदर कैप्टन मार्वल पर आधारित की गई कहानी को लेकर बनाया गया है। 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक जादूगर और साजम से इस मूवी की कुछ कहानियां लिए गए थे, जो नायकों की अपनी शख्सियत दिए गए हैं। दोस्तों कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन और मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ थे। वहीं पे पीटर सहयोग ने अप्रैल 2006 में फिल्म को निर्देशित करने के लिए साइन अप किया था और वहीं पे ड्वेन जॉनसन से उस वर्ष बाद में कैप्टन मार्वल को चित्रित करने से करने के लिए संपर्क किया गया था, जिन्होंने नवंबर 2007 तक जो है जॉनसन को फिल्म के प्रतिपक्षी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभवतः जो उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों के सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था, जब वार्नर ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड डीसी के लिए सुपर हीरो फिल्म की एक स्लेट की योजना बनाना शुरू कर दिया था। वहीं पे दोस्तों एक्सटेंडेड यूनिवर्स जो है डीसीईयू, उस अगस्त में जॉनसन ने यह कहा था उन लोगों को कि वो अभी भी फिल्म से जुड़ा हुए हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि कैप्टन मार्वल या फिर ब्लैक एडम की भूमिका निभाएंगे। एक महीने बाद जॉनसन ने घोषणा किया था कि वह ब्लैक एडम का किरदार निभाएंगे। जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी के जेफ जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक और सहायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इस बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया। साजन फिल्म जिसे 2019 में रिलीज किया, आप सभी ने देखा ही होगा, नायक कैप्टन मार्वल और अभिनीत जिसे जो है डीसी ने तब से साजन फिल्म के रूप में पूर्ण ब्रह्मांड के साथ किया था। ब्लैक एडम फिल्म जिसमें जॉनसन ने हेंटी हरमेस शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों किरदार भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे। जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि किया था कि जॉनसन साजन में दिखाई नहीं देंगे। हालांकि उस फिल्म में जादूगर साजन धारा जादू किए गए ब्लैक एडम के जादुई और होलोग्राम के साथ उनकी समानता का उपयोग किया गया है फिल्म के अंदर। अब दोस्तों 2017 में ये पुष्टि किया गया था कि एडम स्टिक के लिए ब्लैक एडम की एक पद कथा लिखने के लिए काम पर उनको रखा गया था। जॉनसन ने फिल्म के बारे में कहा, उन्होंने ये कहा कि सेवन बॉक्स प्रोडक्शन के डेनी और हिरानी सरगासिया के साथ फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार किया गया था। उस समय आपको बता दें सुसाइड स्क्वाड 2016 की अगली कड़ी में जॉनसन को पहली बार ब्लैक एडम के रूप में प्रदर्शित करने की योजना थी, जिसमें आपको बता दें गोबीन ओ कोनर लेखक थे फिल्म में और संभावित हुए निर्देशक के रूप में जुड़े थे। आत्मघाती दस्ते के सदस्यों का इरादा बड़े पैमाने पर किया गया था, हथियार पर नजर रखने का था। वहीं पे जॉनसन के लिए एक छोटी सी भूमिका में ब्लैक एडम के रूप में प्रकट होगा, लेकिन इन योजनाओं को तब छोड़ दिया गया जब कॉनर 2018 में उस फिल्म को छोड़ दिया था। दोस्तों बता दें अप्रैल 2018 में फिल्म का स्क्रिप्ट का एक मसौदा पूरा कर लिया गया था। जब जॉनसन ने कहा कि 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की संभावना थी, तो अगस्त के अंत में इस फिल्म के लिए संजीव टी किले ने एक जो है मसौदा सौंपा था फिल्म के लिए और आगे कहा कि संशोधन चल रहे थे। हरियाम के शाह जो है गार्सिया ने तब कहा था कि साजन फिल्म ब्लैक एडम को भी उनकी अपनी फिल्में देने से प्रत्येक चरित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म विकास होने की अनुमान लगाई गई थी। इस वजह से उन्होंने कहा कि ब्लैक एडम का उनका चित्रण दर्शकों के लिए नरम नहीं होगा। वहीं पे समझाते हुए कहा कि नहीं लड़का और उसके साथ जो स्काउट सुपर हीरो होंगे। इस फिल्म के अंदर ऐसा लगता है किरदार उन्होंने निभाया है जो कि ठीक आपसे ऊपर है, ठीक ये है कि आपका सिर चीर देता है। दिसंबर में जॉनसन ने कहा कि जुमांडी द नेक्स्ट और लेवन के साथ 2019 में रेड नोटिस 2021 के लिए उनकी प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्मांकन 2019 के अंत तक जल्द से जल्द शुरू होगा। साजन फिल्म की सफलता रिलीज के बाद ब्लैक एडम न्यू लाइन के प्रथमतिक जो है बन गया था। जून 2019 तक जॉनसन को जंगल क्रू 2021 के निर्देशक के रूप में उनके साथ जो प्रभावित किए गए थे।
जैम कुलेट सारा फिल्म का निर्देशन करने के लिए आए थे, वहीं पे बातचीत कर रहे थे। लेकिन दोस्तों कुलेट सेना ने ब्लैक एडम को भी सुपर हीरो के रूप में डॉटी हेरे के रूप में वर्णित किया और कहा कि फिल्म जो एडवेंचर कॉमेडी जंगल क्रूज के साथ तुलना में जॉन सोन का एक गहरा संस्करण होगा। फिल्म के अंदर देखा गया जॉन सोन ने अक्टूबर में खुलासा किया कि फिल्मांकन जुलाई 2020 में शुरू होगा। अगले महीने घोषणा किया था कि ब्लैक एडम को 22 दिसंबर 2021 को रिलीज किया जाना था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि साजन फिल्म में दिखाई देंगे, जहां साजन फिल्म में फिर दिखाई देंगे, लेकिन जस्टिस के साझो सोसाइटी ऑफ अमेरिका और JSA के साझो सदस्यों का पेश भी इन्होंने किया है। जी हाँ फैंस, आपने बिल्कुल सही सुना, जॉन सोन ने सारी बातों का खुलासा किया है। वहीं पे जॉनसन ने अप्रैल 2020 के मध्य में कहा था कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन में देरी हुई थी और अब उस वर्ष अगस्त या फिर सितंबर में उत्पादन फिर से इन्होंने शुरू किया। जुलाई 2021 के शुरुआत में बहुत सारे अटकलें आए थे, जहां पे शारजिया में शुरू होने की उम्मीद थी मूवी की और नू यानी कि सिटीनो को एटम जो है एस मैस के साथ लिया गया था। अगस्त में वर्चुअल DC और फैंडम के कार्यक्रम के दौरान जॉनसन ने खुलासा किया था कि JSA फिल्म के संस्करण में एटम और एस मैस के साथ जो है इनके अलावा हॉकमैन और डॉक्टर फिट के साथ जो है साइक्लोनों में शामिल किए गए हैं। उन्होंने समझाया कि हॉकर गर्ल को मूल रूप से टीम में शामिल किया गया था, लेकिन एक जटिल कारण के कारण जो है अंत तक उसे फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और उसे साइक्लोन से बदल दिया गया। जेरी के साथ आपको बतला दे, सोहराब और नुश्री रावनी ने सितंबर तक जो स्क्रिप्ट का एक नया मसौदा तैयार किया था फिल्म के लिए। ये सारी तैयारी हो चुकी थी फिल्म के लिए, लेकिन दोस्तों कुलेट सेरा ने जॉनसन के साथ डॉटी हैरी चर्चा की अपनी तुलना पर चर्चा करते हुए कहा, वहीं पे पूरे सिस्टम भ्रष्ट थे और इसलिए आपके पास जो अपराधी थे जो फायदा उठा रहे थे फिल्म के लिए, आपको एक ऐसे पुलिस वाले की जरूरत थी जो कि बकवास में माध्यम से काट सके। मूल रूप से उन्होंने ये कहा कि जरूर ये बहुत यानी कि बेहतरीन मूवी हो सकती है ब्लैक एडम, जो कि उनके सोचने के तरीके के अनुरूप मूवी थी। मुझे लगता है कि ये हर किसी को बहुत पसंद आएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जानते हुए कि कैसे दुनिया में कभी कभी जो है निष्पक्ष नहीं होते हैं लोग, लेकिन आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो खेल के मैदान को बराबर करने के लिए नियम तोड़ते हैं। जॉनसन ने टिप्पणी किया कि ब्लैक एडम उसके जो है आत्मा को संदर्भित करता है, जो अपने जो विश्व दृष्टि और मायोपिक के रूप में वर्णित करते हैं। एडम के लिए ये कहते हुए उसके गलत होने के लिए कोई भी जगह या फिर स्थान नहीं है, किसी और की राय के लिए कोई जगह या फिर स्थान नहीं थे और अपने डर के कारण वह जो कुछ भी करता है उसे सही ठहराने के लिए उसके लिए केवल जगह है। जगह के लिए धक्का देते हैं और धक्का दिया जाता है जहाँ पे अन्य जो है रास्ता नहीं देते हैं फिल्म के लिए। तो फैंस, इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है ब्लैक एडम फिल्म को, जिसे साल 2022 में रिलीज किया गया है। दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म को यूरोप पर हिंदी डब में देखना चाहते हो या फिर इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें दोस्तों, इस फिल्म को बनाने में 260 मिलियन रुपये खर्च हुए थे और मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो 391 मिलियन से अधिक की कमाई फिल्म ने किया है। और दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूरोप पर हिंदी डब में देखने को नहीं मिलता है। फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो अक्टूबर 3 को रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेल एंड सी यू सून।